हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सेल्फ कुशवाहा। टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी फिजिक्स के यूनिट 5 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 11 में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। तो इसका जो थियोरेटिकल पार्ट है उसको आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे और इसके ऊपर बेस्ड प्रीवियस ईयर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 12 में। इसके बाद सिर्फ दो टॉपिक और रह जाएगा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये दो टॉपिक होंगे जिसके थियरी के दो एक एक लेक्चर हो गए और दोनों के एक एक न्यूमेरिकल के। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि टोटल इस लेक्चर नंबर 11 के बाद 5 और लेक्चर होंगे, तब जाकर के आपका ये यूनिट नंबर 5 कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, एक चीज और मैं यहां पर कहना चाहूंगा आप सब लोगों को कि मुझे ये लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जो आपका यूनिट नंबर 5 है इसमें लास्ट के तीन टॉपिक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और आसान टॉपिक में से एक है। अगर आप इसके थियरी को, कॉन्सेप्ट को एक बार थोरोली पढ़ लेते हैं तो मुझे ये लगता है कि इसके क्वेश्चंस में गलती होने के चांसेस बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। जबकि मैकेनिक्स वगैरह में, वेव एंड ऑसिलेशन में या ऑप्टिक्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको उसके बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं कि उसका कॉन्सेप्ट क्या था, उसके से रिलेटेड और क्या चीज़ें थी, अगर ये लैंग्वेज दिया हुआ है तो इसका क्या मतलब निकलेगा। बहुत सारी चीज़ें आपको पीछे बैकग्राउंड में याद रखनी पड़ती हैं, तब जाकर के किसी एक क्वेश्चन को आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं। बट मुझे लगता है कि ये जो तीनों टॉपिक हैं इसमें ऐसा कुछ नहीं रहता, आप सिंपल सा जस्ट फार्मूला जानते हो, फार्मूले के हर एक टर्म को जानते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना रह जाता है, कुछ भी इसमें गलती के चांस होने की चीज़ नहीं होती। तो आप लोग इन तीन टॉपिक को बहुत ही मतलब सीरियसली लें और इसको अच्छे से थोरोली पढ़ लें ताकि इससे अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वो क्वेश्चन गलत ना हो, उसको आप अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, चलिए तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को स्टार्ट करने से पहले हमने पीछे जो टॉपिक पढ़ लिया है और आगे जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उन सबको आपस में रिलेट करते हैं। सॉरी, तो आपने इसके पहले एक चैप्टर पढ़ा हुआ था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हमने डिस्कस किया था ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो ऑस्टर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से यह बताया था कि मूविंग चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, है ना। किसी भी वायर में करंट फ्लो होने का मतलब क्या, उसके अंदर चार्जेस मूव कर रहे हैं। तो आप इस बात को यह कह सकते हैं मूविंग चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, ये बात बताई थी ऑस्टर्ड ने। और इससे रिलेटेड जो टॉपिक आपने पढ़ा था उसका नाम था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब इसी तरह से फैराडे ने एक बात बताई। फैराडे ने यह बताया कि जैसे इन्होंने कहा था कि मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वैसे ही फैराडे ने बोला कि मूविंग मैग्नेट जो एक सर्किट होगा, एक क्लोज्ड वायर होगा, उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, और इसी बात को हम और भी तरीके से बोलते हैं, अब अगर बहुत डिटेल में इसके अंदर जाएं तो आगे तो डिस्कस करना ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बस थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि इस लैंग्वेज को हम इस तरीके से भी बोलते हैं कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। कैसे, देखिए मूविंग मैग्नेट से यहां पर हमारा मतलब यही था कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स का वेरिएशन। ठीक है, तो अगर मूविंग मैग्नेट से मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी हो रहा है तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन होगा। दूसरी बात, यहां पर जो इलेक्ट्रिक करंट है, इस इलेक्ट्रिक करंट से पहले एक चीज आती है, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। जब आप किसी मैग्नेट को मूव करते हैं किसी क्लोज्ड वायर या क्लोज्ड सर्किट के पास से, तो उसका जब फ्लक्स चेंज होता है तो उसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है। अगर वो क्लोज्ड सर्किट है तब उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा या इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा, अगर वो क्लोज्ड नहीं है तो ये करंट तो फ्लो नहीं होगा उसके अंदर, लेकिन ईएमएफ उसके अंदर तब भी रहेगा। तो ध्यान रखना है कि जब हम मैग्नेट को मूव कराते हैं या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है इंड्यूस्ड ईएमएफ। उसके बाद फिर अगर वो क्लोज्ड लूप है, सर्किट कंप्लीट है, तब उसमें उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से एक करंट फ्लो होगा जिसको हम इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। तो आपको पता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, अगर हम ईएमएफ की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक फार्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। दैट मीन्स अगर पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल चेंज अवेलेबल है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि इसी इंड्यूस्ड ईएमएफ को ही हम इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में
रिप्लेस करके उससे रिलेटेड ये टर्म यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो जो फैराडे ने ये बात बताई थी कि मूविंग मैग्नेट अपने मतलब मूविंग मैग्नेट एक वायर में एक सर्किट में करंट प्रोड्यूस कर सकता है, इसी बात को बोलने का ये दूसरा तरीका हमारे पास है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहां पर क्या था, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। फिर क्या आया यहां पर, मूविंग मैग्नेट, ध्यान रखिए मूविंग मैग्नेट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता है, और इसी बात को हम बोलने का दूसरा तरीका है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। और देखिए अब आगे इसके बाद मैक्सवेल ने जस्ट इसी का रिवर्स दिया, उन्होंने कहा कि जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है तो यह भी पॉसिबल है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करे। तो तीनों को अगर आप एक सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, सबसे पहले तो ये पता चला कि वायर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है। फिर दूसरी बात ये पता चली कि वो मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। तो सीधे सीधे अगर हम तीनों बातों को मिलाएं तो हम यहां से ये समझ सकते हैं कि आई से बी प्रोड्यूस होगा, और अगर ये बी चेंज हुआ तो फिर ये ई प्रोड्यूस करेगा, और ये जो ई प्रोड्यूस हुआ वो चेंज होगा तो ये बी को प्रोड्यूस करेगा। और इसी के बेसिस पर फिर मैक्सवेल ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या ये कह लीजिए कि इसके बेसिस पर उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट दिया, और डिस्प्लेसमेंट करंट के बेसिस पर एम्पियर के सर्किटल लॉ को इन्होंने मॉडिफाई किया जिसको हम बोलते हैं मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ। और फिर उसके बाद मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है और वो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये प्रोसेस बार बार चलता रहेगा और बिना किसी मीडियम की हेल्प से ये आगे प्रोपागेट करते जाएंगे। इससे एसोसिएटेड वेव को इन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो थियोरेटिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, मैक्सवेल ने दिया था। बाद में प्रैक्टिकली इसको काफी सालों के बाद हर्ज नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार शॉर्ट वेवलेंथ वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो ये तीन बातें आपको ध्यान रखना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप पढ़ चुके हैं, उससे एक स्टेप आगे बढ़े कि तो मूविंग मैग्नेट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फेनोमेना जिसको हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे, और ये वाला जो टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लेक्चर में यानी जो लास्ट लेक्चर हमारा होगा इस यूनिट का वहां पर हम डिस्कस करेंगे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाती है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा ओवरव्यू हो गया। चलिए तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फेनोमेना क्या है, इसके कौन से लॉज हैं, उसके फार्मूले क्या हैं, डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए फैराडे ने 1831 में डिस्कवर किया कि वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विथ अ सर्किट चेंजेस एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट, इफ सर्किट इज क्लोज्ड देन इंड्यूस्ड करंट फ्लोज थ्रू इट, दिस फेनोमेनन इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड द ईएमएफ इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस ईएमएफ इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट। तो किसी भी सर्किट से जैसे मान लीजिए कोई लूप है, इससे पास होता हुआ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जैसे ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है मान लीजिए हम इसको आगे पीछे मूव करें तो इससे पास होने वाला ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स इसका चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ना क्योंकि फाई इक्वल टू क्या होता है बी ए कॉस थीटा। तो अगर आप इसको आगे पीछे मूव कर रहे हैं तो आप बी को चेंज कर रहे हैं, और बी को चेंज करने का मतलब आप ओवरऑल मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं। तो जब हम इस मैग्नेट को मूव करेंगे तो इस क्वाइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और अगर ये क्लोज्ड लूप के फॉर्म में है तो उस पोटेंशियल डिफरेंस या उस ईएमएफ की वजह से एक करंट भी फ्लो होने लगेगा जिस करंट को हम बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट, और उस ईएमएफ को हम बोलेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इस पूरी फेनोमेनन को हम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी मैग्नेट के इफेक्ट से इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहां प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेट को मूव करने से इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर आ गया, इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये जो फेनोमेना है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हम इसको दो पार्ट में पढ़ सकते हैं जिसको हम बोलते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो दो लॉज दिए वो कौन कौन से हैं,
तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो ये कहता है कि किसी भी क्वाइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ कब आता है, जब उस क्वाइल से एसोसिएटेड या उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज कर दें। यानी अगर किसी भी क्वाइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज करेंगे तो उस क्वाइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड रहेगा। अगर हम क्वाइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको चेंज करना बंद कर देंगे तो उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कहता है कि किसी भी क्वाइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ तब तक रहेगा जब तक हम उसके मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते रहेंगे। और मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कैसे करेंगे, तो आपके पास फार्मूला है फाइ इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। आप बी को चेंज करिए, ए को चेंज करिए, थीटा को चेंज करिए, इन तीनों में से किसी भी एक को आप चेंज करते हैं तो क्वाइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद जो सेकेंड लॉ इन्होंने दिया, इसमें इन्होंने ये बताया कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस क्वाइल के अंदर आएगा, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए सेकेंड लॉ है ई इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। माइनस को आप छोड़ दीजिए, मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो ई इक्वल टू एन डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, जहां पर ई एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न से फेरों की संख्या। अगर एक फेरा है तो एन की वैल्यू वन रख देंगे, दो है तो दो रख देंगे, इस तरह से ये टर्म आ जाएगा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ ये किसके इक्वल हो गया, तो आप कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट के चेंज होने की जो रेट है उसके इक्वल या उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। यानी जितना तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मतलब कम से कम टाइम में जितना ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। यानी कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने का मतलब क्या कि हम इस मैग्नेट को जितना ज्यादा तेज मूव करेंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स इसका चेंज होगा कम से कम टाइम में। तो जितना तेज हम इस मैग्नेट को मूव करें या इस क्वाइल को आगे पीछे मूव करें उतना ज्यादा इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। तो इस फार्मूले को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, अगर ये टाइम इंटरवल डेल्टा टी जीरो को टेंड करे तो ये फार्मूला, ये जो डेल्टा है वो डी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ई इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपान डी टी। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो टाइम के एक फंक्शन के रूप में ऐसे दिया जाता है क्वेश्चन में कि फाइ इज इक्वल टू टू टी स्क्वायर माइनस थ्री टी प्लस फाइव, ऐसा समथिंग करके टाइम का एक फंक्शन दे दिया जाएगा। तो ऐसे टाइम पर आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है जिसमें क्या करना पड़ेगा, उस मैग्नेटिक फ्लक्स को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें फाइ वन और फाइ टू की वैल्यू आपको पता है कि इनिशियल कंडीशन में फ्लक्स कितना था, फाइनल कंडीशन में फ्लक्स कितना था, तो आप फाइ टू माइनस फाइ वन करके या फाइ वन माइनस फाइ टू करके चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को यहां पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और यहां पर देखें कि ये जो एन है वो एक कॉन्स्टेंट है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स फेरों की एक संख्या है, तो इसको हम इस डेरिवेटिव टर्म के अंदर भी लिख सकते हैं फाइ के साथ में। तो जब हम इसको n को फाई के साथ में लिखते हैं तो ये जो पूरा टर्म मिलता है n फाई, इसको हम बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। तो कई बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है या क्वेश्चन में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज की ही वैल्यू दी जाती है, तो पूरा पूरा n इंटू फाई सीधे सीधे आपको दे दिया जाता है। ठीक है, इसके यूनिट की बात करें तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसका यूनिट वेबर हो जाएगा, ये नंबर ऑफ टर्न्स है फेरों की संख्या है, उसी के बेसिस पर इसका यूनिट है वेबर टर्न। क्या बोलते हैं, वेबर टर्न। ठीक है, अच्छा अब इस फार्मूले में इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है उसके फार्मूले में जो माइनस लगा हुआ है, ये माइनस कहां से आया और इसका मीनिंग क्या है, तो इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा लेंज लॉ। इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा लेंज लॉ, जो इस क्वाइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ या उसकी वजह से फ्लो होने वाले इंड्यूस्ड करेंट के डायरेक्शन की वजह से आया। इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करेंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होता है कि इस क्वाइल में मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है, इस चीज को हम बोलते हैं लेंज लॉ। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करेंट इज सच एज टू अपोज दैट चेंज दैट कॉजेज इट, मतलब जिस कारण से इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आया हुआ है या करेंट फ्लो हो रहा है, इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा आपको लेना है कि ये उस कारण को ही अपोज करे जिसकी वजह से इसका जन्म खुद हुआ है। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे कहावत होती है ना, जिस थाली में खाना उसी थाली में छेद कर देना। जिस कारण से इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट आया है, जब वो आ जाता है तो वो उसी कारण को ही अपोज करने लगता है जिसकी वजह से खुद आया हुआ है।
तो अभी हम इस डायग्राम से इस बात को और अच्छे से समझ पाएंगे, बट उससे पहले आप ये ध्यान रखें। देखिए होता क्या है कि कई बुक में ऐसे लिखा रहता है, ये वाले फार्मूले को और इस पूरी चीज़ को एक साथ लिखा रहता है, इसको बोलते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और जो सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसको लेंज लॉ के नाम पर दिया जाता है, और उसमें ये स्टेटमेंट लिखा रहता है। तो आप अलग अलग बुक में देखेंगे तो अलग अलग तरीके से फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ को लिखा गया है, बट मुझे लगता है ये ज़्यादा कन्वीनियंट है और मैक्सिमम ज़्यादातर बुक्स में इसी तरीके से दिया हुआ है। एस एल अरोरा की अगर हम बात करें तो उस बुक में भी यही पैटर्न दिया हुआ है, तो हम भी उसी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये फार्मूला याद रखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए, E इक्वल टू एन डी फाई अपॉन डी टी, ये मैग्नीट्यूड के लिए, और ये माइनस डायरेक्शन के लिए, जो ये बताता है कि ईएमएफ का डायरेक्शन या इसकी वजह से फ्लो होने वाला करंट का डायरेक्शन ऐसा है जो फ्लक्स में चेंज को अपोज कर रहा है। अब फ्लक्स में चेंज को अपोज करने का मतलब ये कि अगर जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए इस डायग्राम से आप समझिए, अगर हम इस क्वाइल के सामने किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को ले आएं, तो आपको पता है नॉर्थ पोल है तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, तो नॉर्थ पोल को ले आने का मतलब यह है कि इस क्वाइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स को हम इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज होने या चेंज होने से इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज होने से ईएमएफ आ जाएगा तो लेंज लॉ कहता है कि वो ईएमएफ या उसकी वजह से फ्लो होने वाले करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि उस कारण का ही अपोज करे जिसकी वजह से उसका जन्म हुआ है। तो किसकी वजह से जन्म हुआ है, नॉर्थ पोल को इस क्वाइल के नजदीक लाने की वजह से इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आया है, क्योंकि जब हम इसको मूव करेंगे तो इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार इंक्रीज हो रहा है या चेंज हो रहा है। तो नॉर्थ पोल को जब आप इसके नजदीक ले आएंगे तो इसका अपोज करने के लिए ये जो आपका सोलेनोइड जिसको हम बोलते हैं, इस तरह के लूप में जब करंट फ्लो होने लगता है तो ये सोलेनोइड की तरह, इसको सोलेनोइड बोला जाता है, जो कि एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ये आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो जब आप इस नॉर्थ पोल को आगे बढ़ाएंगे और इसके अंदर करंट फ्लो होगा, ये एक सोलेनोइड बनेगा, तो ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, दैट मीन्स इसका एक जो एक इंड है वो नॉर्थ पोल बनेगा और एक इंड साउथ पोल बनेगा। कौन सा इंड इसमें नॉर्थ पोल बनेगा, कौन सा इंड साउथ पोल बनेगा, इसके लिए भी आप रूल पढ़ चुके हैं। जिधर से इस क्वाइल में करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज बनेगा उसमें उधर साउथ पोल बनेगा, और जिधर से इसमें करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज बनेगा वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। अब ध्यान रखिए लेंज लॉ के अकॉर्डिंग आप इस क्वाइल में करंट का डायरेक्शन बता सकते हैं, क्योंकि एक चीज इन्होंने बता दिया है कि करंट का डायरेक्शन आपको ऐसा लेना है कि ये उस कारण का ही अपोज करे जिसकी वजह से ये खुद प्रोड्यूस हुआ है। तो नॉर्थ पोल को नजदीक लाने की वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो नॉर्थ पोल के नजदीक आने का इसको अपोज करना पड़ेगा, और नॉर्थ पोल का अपोज करने के लिए इसको खुद नॉर्थ पोल बनना पड़ेगा। और नॉर्थ पोल कब ये बनेगा, तो जब इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा, यानी इस वाले लूप में जो करंट हो वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा, इस तब जाकर के ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। और अगर ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है तो इधर से इसमें देखेंगे तो क्लॉकवाइज आपको दिखाई देगा, यानी ये साउथ पोल बन जाएगा, है ना। तो जब आप किसी क्वाइल के नज़दीक नॉर्थ पोल को ले आएंगे तो इसकी वजह से करंट आएगा, और उस करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि इसके इस कारण का ही अपोज करेगा। तो कारण क्या है, नॉर्थ पोल को नज़दीक ले आना, तो नॉर्थ पोल के नजदीक ले आने का अपोज करने के लिए ये खुद नॉर्थ पोल बनेगा, और नॉर्थ पोल बनने का मतलब करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो गया, इसका मतलब यहां पर जो आप अमीटर या गैल्वेनोमीटर लगाए होंगे उसमें इस तरह से डिफ्लेक्शन आपको दिखाई देगा, जिससे करंट का डायरेक्शन पता चल जाएगा। ठीक है, तो लेंज लॉ को यूज करके हम किसी भी क्वाइल में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, इसको अप्लाई करने का तरीका आप ध्यान रखें, बाकी ये स्टेटमेंट तो इतना जरूरी है नहीं आपको एग्जाम में, अभी फिलहाल प्री में तो लिखना तो है नहीं। अब देखिए इसमें भी हम डिसाइड कर सकते हैं, चलिए नॉर्थ पोल को नजदीक ले आ रहे थे, अब हम नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं, तो नॉर्थ पोल को दूर ले जाने का मतलब क्या होगा, इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। नॉर्थ पोल को दूर ले जाने पर इस क्वाइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। क्वाइल अगर क्लोज्ड है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगेगा, और लेंज लॉ कहता है कि करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा
कि उस कारण का ही अपोज करेगा या विरोध करेगा जिसकी वजह से वो खुद इंड्यूस हुआ है। तो नॉर्थ पोल को दूर अगर आप ले गए हैं तो इसको अपोज करने के लिए इसको क्या बनना पड़ेगा बताइए। नॉर्थ पोल अगर दूर जा रहा है तो इसके दूर जाने का अपोज करने का मतलब ये कि हम इसको इधर खींचें, और इधर खींचने का मतलब क्या, अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल बन जाता तो अट्रैक्ट करता ना इसको, है ना, इसके मोशन को अपोज करता ये साउथ पोल। और साउथ पोल बनने का मतलब ये कि इसमें जो करंट फ्लो होगा वो क्लॉकवाइज होना चाहिए। क्लॉकवाइज करंट फ्लो होने का मतलब ये कि ये जो डायरेक्शन हम दिखा रहे हैं करंट का वो इस तरीके से हो जाएगा, और इसका मतलब कि जो इसमें गैल्वेनोमीटर की जो नीडिल है वो इस तरफ जो है डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो नॉर्थ पोल को नज़दीक ले आएंगे तो इस तरह से करंट का डायरेक्शन होगा, ऐसे फ्लो होगा करंट, इंड्यूस्ड करंट। और अगर नॉर्थ पोल को दूर ले जाएंगे तो इसको अपोज करने के लिए साउथ पोल बनेगा। साउथ पोल बनने का मतलब कि करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा। करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज का मतलब ये डायरेक्शन हो जाएगा करंट का। इसी तरीके से आप बाकी दो में भी कर सकते हैं। अगर हम साउथ पोल को नज़दीक ले आएँ तो साउथ पोल को जब आप नज़दीक ले आएंगे तो इसका अपोज करने के लिए इसको भी साउथ पोल बनना पड़ेगा, और साउथ पोल बनने का मतलब करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। सेम चीज, नॉर्थ पोल को दूर ले जाना या साउथ पोल को नजदीक ले आना सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। बिल्कुल इसी तरीके से नॉर्थ पोल को नजदीक ले आना और साउथ पोल को दूर ले जाना सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। आप देखिए यहां पर अगर हम साउथ पोल को दूर ले जाएं तो साउथ पोल को जब दूर ले जाएंगे तो इसकी वजह से इसका फ्लक्स चेंज होगा, और जब फ्लक्स इसका चेंज होगा तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। क्लोज्ड लूप के फॉर्म में है तो करंट भी फ्लो होगा, और लेंज के अकॉर्डिंग उस करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि इस कॉज को ही, इस कारण को ही अपोज करेगा जिसकी वजह से वो इंड्यूस हुआ है। तो साउथ पोल के दूर जाने की वजह से ये इंड्यूस हुआ है तो इसको अपोज करने के लिए इसको बनना पड़ेगा नॉर्थ पोल, ताकि ये इसको अट्रैक्ट कर सके। और नॉर्थ पोल बनने का मतलब करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी कि ये हो जाएगा करंट का डायरेक्शन ऐसे, इस तरीके से। तो बिल्कुल सेम तरह का इफेक्ट यहाँ पर मिलेगा आपको, है ना। नॉर्थ पोल का नज़दीक आना और साउथ पोल का दूर जाना सेम चीज़, नॉर्थ पोल का दूर जाना या साउथ पोल का नज़दीक आना ये दोनों सेम चीज़। तो करंट का इसमें जो डायरेक्शन मिलेगा वो इस तरीके से डिफ्लेक्शन मिलेगा, और यहाँ पर करंट ऐसे जा रहा था तो इस तरफ डिफ्लेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि लेंज लॉ का यूज करके आप किसी भी क्लोज्ड लूप में इंड्यूस्ड करंट, ध्यान रखिएगा इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड करंट मतलब वो करंट जो फ्लक्स के चेंज की वजह से आया हुआ है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फेनोमेनन के केस में आता है करंट, उसको हम इंड्यूस्ड करंट बोल रहे हैं, बैटरी का करंट नहीं है ये। ठीक, अच्छा एक चीज यहां पर और पूछा जाता है कि जो लेंज लॉ है क्या वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, तो बिल्कुल लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन या कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और इस बात को आप कैसे समझा सकते हैं, देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहती है कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती या क्रिएट नहीं होती। यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड कर रहा है, कैसे होल्ड कर रहा है, देखिए जब आप नॉर्थ पोल को नज़दीक ले आ रहे हैं तो इसको अपोज करने के लिए ये बन जा रहा है नॉर्थ पोल, और ये जब नॉर्थ पोल बन जाएगा तो अब ये क्या करेगा, मतलब जब आप शुरुआत किए आप थोड़ा मूव किए तो इसके अंदर तो फिर करंट फ्लो होने लगा और ये नॉर्थ पोल बन के, तो ये जब इसको अपोज कर रहा है तो इसको और नज़दीक ले आने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है। और जितना भी आप वर्क करने में अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं वही एनर्जी इस सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल करंट के फॉर्म में आपको दिखाई देती, मतलब जो भी आपने वर्क किया है इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वो वर्क या वो एनर्जी जो आपने कंज्यूम किया है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, वो सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी जो आप कर रहे थे या कह लीजिए मसल्स एनर्जी, तो जितना भी आप यहाँ वर्क के फॉर्म में एनर्जी अपनी कह लीजिए लूज कर रहे थे वो पूरी की पूरी एनर्जी इस क्वाइल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गई, या उसी के करस्पॉन्डिंग इसमें इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो रहा है। जितना ज़्यादा आप ये वर्क कर रहे हैं उतना ज़्यादा करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो ये हुआ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी क्रिएट नहीं हुई है, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, बस एक जगह से दूसरी जगह ये एनर्जी ट्रांसफर हो गई है या इसका जो रूप है वो बदल गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, देखिए जब आप नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे थे तो यहाँ पर ये बन गया साउथ पोल, और ये क्या करने लगा, इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करने लगा। लेकिन आप इसको दूर ले जा रहे हैं तो दूर ले जाने के लिए आपको इस अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है, और जितना भी वर्क आप कर रहे हैं या जितनी भी एनर्जी आप खर्च कर रहे हैं उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, या वही एनर्जी अब इस लूप की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है।
ठीक है, तो लेंज लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो काफी इंपॉर्टेंट बात है। कई बार देखिए ये सारी चीजें तो नहीं पूछी जाती, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आपने पेपर में देखा भी होगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन में से एक है ये। ठीक है, चलिए इसको अब नोट कर लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने ये देख लिया किसी भी क्लोज्ड लूप में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन पता करने के लिए हम लेंज लॉ को यूज कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि कोई स्ट्रेट कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें भी वैरी हो रही हो, चेंज हो रही हो, उसका भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो, तो ऐसे में उसके अंदर जो इंड्यूस्ड करंट आएगा उसका डायरेक्शन पता करने के लिए हमारे पास है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ध्यान रखिएगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आप इसके पहले यूज कर चुके हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, और वो क्या कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में जो करंट हम लिखते हैं उस करंट का मतलब होता है बैटरी का करंट या मेन करंट। ठीक है, लेकिन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में जो करंट हम यहां लिखते हैं उस करंट का मतलब है इंड्यूस्ड करंट, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इंड्यूस हुआ है। तो ध्यान रखिए, देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में अगर हम बात करें तो एफ बी और आई, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की बात करें तो राइट हैंड भी लीजिए इसमें एफ बी और आई, जिसमें ये एफ का मतलब हम यहां पर ये बोलेंगे मोशन ऑफ कंडक्टर से, यानी इसमें हमको किसी कंडक्टर को किसी सर्किट को मूव करना पड़ेगा ना, तो एफ के करस्पॉन्डिंग आप यहां पर मोशन ऑफ कंडक्टर वर्ड यूज करेंगे। और जहां पर इसमें सिर्फ और सिर्फ करंट था जो कि बैटरी का करंट था, जिसको मेन करंट भी बोलते हैं या रियल करंट बोलते हैं, कंडक्शन करंट बोलते हैं, वो यहां पर क्या होगा इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस आपको याद रखना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में और राइट हैंड रूल में, बाकी एकदम एक दूसरे के एनालॉगस हैं, ये भी एफ बी और आई, यहां पर भी एफ बी और आई, लेकिन ये रियल करंट था और ये यहां पर है इंड्यूस्ड करंट। इसमें हम बोलेंगे ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स और ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो कैसे यूज करना है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को, तो तरीका बिल्कुल वही है कि अगर हम अपने राइट हैंड के थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच करें कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहें, और ऐसे कंडीशन में अगर ये थंब मोशन ऑफ कंडक्टर को और ये फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को एक्सप्रेस करे, तो ये जो मिडिल फिंगर है वो इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को मूव करेगा। ठीक है, और इससे आप किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट पता कर सकते हैं। तो ये एक रूल है इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन पता करने के लिए, इसको आप ध्यान रखें। और अगर वो क्वाइल के फॉर्म में है तो क्वाइल के फॉर्म में हमने आपको दिखाई दिया कि कैसे आप पता कर लेंगे नॉर्थ पोल बनेगा कि साउथ पोल बनेगा, उसके बेसिस पर आप करंट का डायरेक्शन बता सकते हैं। तो इंड्यूस्ड करंट का ही डायरेक्शन पता करने के लिए लेंज लॉ भी है और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ। फैराडे ने जो पीछे आप फार्मूला दिया इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, अगर हम उसका वेक्टर फॉर्म लिखें यानी इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म लिखें तो क्या आएगा, तो छोटा सा डेरिवेशन अगर हम लोग करना चाहें तो इस तरीके, देखिए E इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी, ये हुआ आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें ये जो E है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है और ईएमएफ का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन इस तरीके का होता है, ये आप पढ़ चुके हैं पीछे, है ना, लेक्चर नंबर 2 या 3 में हमने पढ़ा था इसके बारे में कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन यही है। ई की जगह पर हम लिखेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, और फाई यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का ये डिफिनीशन ही होता है बी डॉट डी एस और उसका इंटीग्रल। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला हमने रख दिया और ईएमएफ का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो रिलेशन होता है वो वाला फार्मूला हमने यहाँ पर रख दिया, और अब यहाँ पर ये जो मिल गया वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इंटीग्रल फॉर्म। और इसी में एक स्टेप और हम बढ़ाएं कि इस लाइन इंटीग्रल को अगर हमको सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग यूज करते हैं स्टोक्स थ्योरम या स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ अगर हम लोग यूज करें तो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग जब लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करते हैं तो इस वेक्टर फील्ड का यहां पर कर्ल होता है, यानी ये जो ई डॉट डी एल लिखा हुआ है इसको ई को हम लिखेंगे कर्ल ऑफ ई, और कर्ल ऑफ ई एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके बाद डॉट या क्रॉस तो जरूरी हो जाता है, तो कर्ल ऑफ ई एक वेक्टर क्वांटिटी है और यहां पर ये होता है डॉट, तो ई डॉट डी एल यहां पर आता है कर्ल ऑफ ई डॉट डी एस। कैसे आता है, तो स्टोक्स लॉ यूज करके। दो लॉ होते हैं आप जानते हैं, स्टोक्स लॉ होता है, दूसरा होता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए स्टोक्स लॉ या स्टोक्स थ्योरम, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम या गॉस डाइवर्जेंस लॉ।
ठीक है। तो जब हम इसमें स्टोक्स थ्योरम यूज करते हैं तो अब ये दोनों देखिए एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो गए, इसमें भी सरफेस इंटीग्रल, इसमें भी सरफेस इंटीग्रल, तो ये जो रिजल्ट आपको यहां से मिलता है डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, यहां पर ये पार्शियल डेरिवेटिव हो जाता है। तो डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बी बाई डेल टी, ये जो रिजल्ट आया ये है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डिफरेंशियल फॉर्म। और ये आपको और भी एक जगह याद आ रहा होगा जब आप पढ़ेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशन, तो जो मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन होता है उसका ये डिफरेंशियल फॉर्म है डेल क्रॉस इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही मैक्सवेल का तीसरा इक्वेशन है, तो आप कह सकते हैं कि ये मैक्सवेल के थर्ड इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म हो गया और ये मैक्सवेल के थर्ड इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म हो गया। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लें। एक टॉपिक इसके बाद हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जब किसी भी सर्किट में किसी भी क्लोज लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो होने लगता है तो इंड्यूस्ड करंट की बजाय के अलावा अगर हम इंड्यूस्ड चार्ज पता करना चाहें तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा। तो आप देखिए हेडिंग है इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज, कुछ ज्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। ये ओम्स लॉ को आप यूज करिए और अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फैराडे के अकॉर्डिंग आपको पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ स्मॉल ई इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी, ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला। अगर नंबर ऑफ टर्न्स एक से ज्यादा है तो यहां पर एन से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ में ये जो माइनस लिखा हुआ है ये तो डायरेक्शन बताने के लिए है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन कुछ ऐसा होता है कि वो फ्लक्स में चेंज को अपोज करता है या उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये माइनस हमने हटा दिया, सिर्फ मैग्नीट्यूड की हम बात करेंगे। तो ये हुआ इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन। और अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको पता चल गया तो आप इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस भी पता कर सकते हैं। इंड्यूस्ड करंट के लिए आपको यूज करना पड़ेगा ओम्स लॉ। मान लीजिए जिस क्वाइल की हम बात कर रहे थे उस क्वाइल का एक रेजिस्टेंस है आर और इसमें इसके क्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया है वो है ई, तो इस ईएमएफ की वजह से इसके अंदर फ्लो होने वाला करंट कितना होगा, इंड्यूस्ड करंट कितना होगा, तो आई इज इक्वल टू ई अपान आर। और ई के लिए फार्मूला पता है एन डी फाई अपान डी टी और इसके अपान में हो जाएगा आर। तो ये हुआ इंड्यूस्ड करंट का एक्सप्रेशन। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ सीधे सीधे फैराडे लॉ से ही पता चलता है, ओम्स लॉ यूज करेंगे तो आपको इंड्यूस्ड करंट मिल जाएगा। और इसी में जब आप फार्मूला ये यूज करेंगे करंट का एक्सप्रेशन I इज इक्वल टू क्या, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, है ना। अच्छा एक चीज यहां पर देखिए, अगर टाइम इंटरवल बहुत कम है तब हम ये डी फाई और डी टी यूज करते हैं, अगर थोड़ा ज्यादा है तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, जब ये टाइम इंटरवल बहुत कम रहेगा तो हम इसको डी फाई अपॉन डी टी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो I इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी से हम ये पता कर सकते हैं कि उस इंड्यूस्ड करंट के फ्लो होने के लिए कितना चार्ज फ्लो हुआ है, यानी फ्लोड चार्ज की वैल्यू, हम इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू पता कर सकते हैं डेल्टा क्यू इक्वल टू I इंटू डेल्टा टी। और I के लिए फार्मूला पता ही है एन अपॉन आर और डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी और इनटू में डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, तो इंड्यूस्ड चार्ज का फार्मूला मिल गया डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन अपॉन आर इनटू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स यानी डेल्टा फाई। ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 3 और इससे आपको मिल जाएगा इंड्यूस्ड चार्ज। तो कभी कभी कुछ ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें ये इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू पूछी जाती है। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन याद रखिए, वहीं से आगे ओम्स लॉ, वहीं से आगे ये करंट का डेफिनेशन यूज करेंगे तो ये दोनों एक्सप्रेशन भी आपको मिल जाएंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मोशनल ईएमएफ। चलिए तो देखते हैं कि मोशनल ईएमएफ क्या होता है। देखिए मोशनल ईएमएफ का मतलब कि किसी भी कंडक्टर के मोशन की वजह से जब उसके अक्रॉस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाए इसको हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। जैसे मान लीजिए कि ये एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है और इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएं, तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो इसके अक्रॉस ऊपर और नीचे जो टर्मिनल्स हैं उनमें एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, तो इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, मोशनल ईएमएफ। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ये हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया हुआ है, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर है।
और ये कंडक्टर वी वेलोसिटी से उस मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और ये कंडक्टर इस तरफ जा रहा है, इसकी प्लेन में आगे बढ़ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बिल्कुल परपेंडिकुलर जब हम इस कंडक्टर को वी वेलोसिटी से मूव करते हैं तो क्या होगा? अब आपको पता है किसी भी कंडक्टर में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन जिस एटम में से निकले हुए हैं वो एटम का जो बचा हुआ पार्ट है वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया या दो इलेक्ट्रॉन निकल गए। ठीक है, तो कुछ पॉजिटिव आयंस हैं या पॉजिटिव एटम्स कह लीजिए और कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब आप इस कंडक्टर को मूव करेंगे दैट मीन्स वो पॉजिटिव और फ्री इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे हैं। आपने एक फार्मूला भी पढ़ा है पीछे, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, यानी अगर हम किसी चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करें तो उस चार्ज के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, जिसके लिए फार्मूला था एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। दैट मीन्स जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के डायरेक्शन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। तो हम यहां पर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि पॉजिटिव आयन के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा। ठीक है, चलिए तो देखिए मैग्नेटिक, ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो यहीं से हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स का। क्रॉस प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इस राइट हैंड के फिंगर्स को पहले वेक्टर के डायरेक्शन में रखेंगे, ऐसे बेंड करेंगे कि वो दूसरे वाले वेक्टर के डायरेक्शन में मतलब कर्ल हो सके, तो आपका ये जो थंब होगा वो इस रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन को बताएगा। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ, तो क्या हमको इस फिंगर को ऐसे रखना चाहिए, है ना? देखिए ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में है और कर्ल किधर हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में इसको हमने रख दिया, अब ये कर्ल होगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, थंब हमारा ऊपर की तरफ है, इसका मतलब किसी और ध्यान रखना है, ये जो भी रूल हम अप्लाई करते हैं वो सब का सब पॉजिटिव चार्ज के लिए बोल रहे हैं। अगर निगेटिव चार्ज की बात होगी तो जस्ट अपोजिट रिजल्ट हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। तो पॉजिटिव चार्ज जो इसके अंदर है यानी कि जो पॉजिटिव आयंस हैं जब वो मूव कर रहे हैं वी वेलोसिटी से इधर, तो उसके लिए हमने पता किया कि मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब कि अगर पॉजिटिव आयंस पर ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज हैं उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, और धीरे धीरे क्या होगा, पॉजिटिव आयंस तो नहीं मूव करेंगे बट जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे और वो सब के सब नीचे वाले इंड की तरफ इधर की तरफ इकट्ठा होने लगेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर इधर वाले भी जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, पूरा पूरा न्यूट्रल था, इधर वाले जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जब वो उधर से छन करके एक तरह से कह लीजिए आप, है ना, इधर से प्योरीफाई होकर के वो सारे नेगेटिव चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ आएंगे, तो ये हो जाएगा रिलेटिवली पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। और जब ये एंड हो गया पॉजिटिव और ये एंड हो गया नेगेटिव, तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स यहाँ पर बन जाएगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका डायरेक्शन किधर होगा? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर। और अब देखिए, यानी इसको मूव कराने से इन चार्जेस के ऊपर लगा मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये वाला इंड हुआ पॉजिटिव, ये वाला इंड हुआ नेगेटिव, और जब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा तो अभी इन्हीं चार्जेस के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगने लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो तो फील्ड के डायरेक्शन में लगता है और फील्ड का डायरेक्शन है ऊपर से नीचे की तरफ, इसका मतलब ये जो पॉजिटिव आयन है इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और निगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट लगता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इसका मतलब इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। अब इस तरीके से क्या हुआ, कुल मिलाकर के आपने देखा कि हर एक पॉजिटिव चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में, और जैसे जैसे आप इसको मूव कर रहे हैं वैसे वैसे सारे पॉजिटिव ऊपर मूव कर रहे हैं और सारे नेगेटिव नीचे मूव कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से सारे पॉजिटिव ऊपर चले गए सारे नेगेटिव नीचे चले गए, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा इन चार्जेस के ऊपर लगने वाला ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो भी स्ट्रांग होता जाएगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इस मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल हो जाएगा, अपोजिट तो पहले से है क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा है। एफ इक्वल टू देखिए क्यू वी क्रॉस बी, मैग्नेटिक फील्ड आपने कॉन्स्टेंट रखा है, जो वेलोसिटी है वो भी कॉन्स्टेंट आपने रखा है, चार्ज इनका भी कॉन्स्टेंट है,
तो मैग्नेटिक फोर्स इनके ऊपर जो भी लग रहा है शुरुआत से वही लग रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स शुरुआत में वीक था। जब इलेक्ट्रिक फील्ड वीक था तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी वीक था, लेकिन जैसे जैसे मैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता गया, इधर निगेटिव चार्ज बढ़ता गया, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रांग होता गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे स्ट्रांग होता गया, इन चार्जेस के ऊपर लगने वाला ये इलेक्ट्रिक फोर्स भी स्ट्रांग होता गया, क्योंकि फार्मूला आपको पता है F=Q×E। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फोर्स भी इंक्रीज होगा, यानी एक ऐसा टाइम आएगा जब ये इलेक्ट्रिक फोर्सेस इस मैग्नेटिक फोर्सेस को बैलेंस करने लगेंगे। इस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब हम यहाँ से लिखेंगे FE=FM और दोनों का फार्मूला यूज करेंगे, क्यू ई यहाँ से लिखेंगे और यहाँ से लिखेंगे क्यू वी क्रॉस बी। फिलहाल यहाँ पर वेलोसिटी और फील्ड के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो हम इसको सिंपली क्यू वी बी भी लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपका क्यू ई इक्वल टू क्यू वी बी, और क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट हुआ है अगर हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में लिखें तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट के, यानी वी पोटेंशियल है, वी कैपिटल वी लिख रहे हैं, इस वेलोसिटी से कंफ्यूज नहीं होना है। वी अपान में लेंथ कितना है, एल इज इक्वल टू वी इंटू में बी, और यहां से निकालेंगे आप, या इसको आप ई लिख दीजिए ना तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ई अपान एल इक्वल टू वी बी, तो ई इक्वल टू आ जाएगा वी बी एल, ये फार्मूला बन जाएगा। यानी अगर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करें तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा उसका फार्मूला है वी बी एल, जहां वी इसकी वेलोसिटी है, बी यहां पर प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड और एल इस कंडक्टर का लेंथ है। मान लीजिए कि अगर ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर न मूव करता, कुछ एंगल बना रहा होता, तो ये जो फार्मूले में हमने साइन थीटा को हटा दिया है 90, साइन 90 की वजह से, अब वो साइन थीटा यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पर साइन थीटा रहेगा तो यहाँ भी साइन थीटा रहेगा, यहाँ भी रहेगा और फाइनल एक्सप्रेशन में भी रहेगा। तो इन जनरल अगर हम ये कहें कि अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ थीटा एंगल बनाते हुए मूव कर रहा है तो उसके क्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला हो जाएगा वी बी एल साइन थीटा। ठीक है, तो आप इस वाले फार्मूले को याद रखिए, परपेंडिकुलर का केस है तो थीटा 90 रख दीजिए, कोई और केस है तो थीटा 0 रख दीजिए, जो भी 30 60 जो भी क्वेश्चन में दिया जा रहा है उसको आप लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला आप याद रखें। तो ये हो गया आपका मोशनल ईएमएफ का फार्मूला। यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है कि अगर थीटा की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो ईएमएफ आ जाता है 0। यानी अगर हम इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में मूव करने लगे तो कोई भी मोशनल ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके अक्रॉस डेवलप नहीं होगा। तो किसी भी कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं होता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए आप इसको ध्यान रखें। इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सीधे सीधे ये स्टेटमेंट ही पूछा जाता है, या कई बार ये कुछ एग्जाम्पल के फॉर्म में दे करके आपसे पूछा जाता है कि बताइए मोशनल ईएमएफ यहाँ पर डेवलप होगा या फिर नहीं होगा। तो ध्यान रखना है आपको ये कि अगर थीटा 0 है तो ईएमएफ 0 आ रहा है, इसका मतलब अगर ये आपका देखिए अगर इस कंडक्टर को आप फील्ड के डायरेक्शन में ले जाएंगे तो ये कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट नहीं करेगा, इंपॉर्टेंट बात ये। तो अगर ये थीटा इक्वल टू 0 हो रहा है या ई इक्वल टू 0 हो रहा है, इसका मतलब ये आप कह सकते हैं कि कंडक्टर अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट नहीं करेगा तो कोई भी इसके अक्रॉस ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। ईएमएफ को डेवलप करने के लिए ये जरूरी है कि आपका ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई ना कोई एंगल बनाए, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करे। तो ध्यान रखना है कि मोशनल ईएमएफ के लिए सबसे जरूरी कंडीशन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या कह लीजिए मैग्नेटिक फ्लक्स कट होना चाहिए, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स कह लीजिए, फ्लक्स कहिए या फील्ड कहिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर कट हो रही हैं तभी इसके अक्रॉस मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा। तो कुछ यहां पर हम एग्जांपल से इस बात को समझेंगे। जैसे कोई भी ट्रेन जब जाती है तो उसकी जो धुरी होती है, उसका जो एक्सल होता है जिसमें वो पहिए लगे होते हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा होता है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब वो मूव कर रहा होता है तो वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको वो कट कर रहा होता है, यानी बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर जा रहा है। तो ऐसे में उस ट्रेन का जो एक्सल है उसके दोनों एंड्स के अक्रॉस एक मोशनल ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाता है अगर उसमें आप कनेक्ट करा के कोई वायर ला करके एक बल्ब लगा दीजिए, देखिए वो बल्ब जलने लगेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि जब भी कोई ट्रेन मूव करती है तो उसका जो एक्सल होता है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के वर्टिकल कंपोनेंट को इंटरसेक्ट करती है या कट करती है, जिसकी वजह से यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा या मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा। दूसरा एग्जाम्पल है फ्लाइंग प्लेन।
कोई भी प्लेन जब हॉरिजॉन्टल मतलब एरोप्लेन जब ऐसे उड़ता है तो वो भी क्या करता है, वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इस तरह से इंटरसेक्ट करता है। अब ये प्लेन चाहे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रहा हो, चाहे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा हो, किसी भी डायरेक्शन में ये जाएगा, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के वर्टिकल कंपोनेंट को ये इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पर भी इसके दोनों विंग्स के दोनों पंखों के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस या मोशनल ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है कि अगर कोई प्लेन लैंड कर रहा हो, दैट मीन्स ऊपर से नीचे जा रहा हो, तो अगर वो ऊपर से नीचे जाएगा तो दो केस हो सकता है कि उसके जो विंग्स हैं, उसके जो पंखे हैं वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हो, या फिर उसके जो पंखे हों वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो। तो अगर उसके पंखे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है यानी पूर्व पश्चिम डायरेक्शन में है, देखिए क्या होगा, अगर वो उसके पंखे पूर्व पश्चिम डायरेक्शन में है और वो नीचे जाएगा तो आपको पता है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन की ओर बाहर बाहर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती हैं, है ना। तो अगर जो एरोप्लेन है उसके पंखे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है तो जब वो नीचे जाएंगे तो वो अर्थ के इस मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल मतलब अर्थ के सरफेस के पैरेलल जो कंपोनेंट है, है ना, जो भी फील्ड लाइंस होती हैं उसके दो कंपोनेंट हम निकाल लेते हैं, हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो जब वो प्लेन ऐसे नीचे उतरेगा और उसके ये पंखे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हैं, वहां से आप देखिए, तो वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको वो इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको वो कट कर रहा है, और उसको कट करेगा तो उसके क्रॉस क्या हो जाएगा, एक ईएमएफ या इंड्यूस्ड ये इमोशनल ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। इसी वाले केस में अगर हम ये देखें कि जो हमारा ये प्लेन है उसके जो पंखे हैं, उसके जो विंग्स हैं, अगर वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होते, तब देखिए जब उसके पंखे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है तो नीचे उतरते टाइम वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इंटरसेक्ट कर रहा था, वर्टिकल को नहीं, क्योंकि वर्टिकल के पैरेलल ही तो था वो, वर्टिकल को तो तब इंटरसेक्ट करेगा ना जब वर्टिकल ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टल मूव करेगा, तब तो वर्टिकल वाले को इंटरसेक्ट करेगा, वर्टिकली वो नीचे जा रहा है, ऐसे केस में वर्टिकल फील्ड लाइंस को वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर उसके पंखे पूरा पश्चिम डायरेक्शन में थे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को वो इंटरसेक्ट कर रहा था, लेकिन अगर उसके पंखे भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाएं तो अब तो वो ना तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इंटरसेक्ट करेगा और ना ही वर्टिकल कंपोनेंट को, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट को तो कर ही नहीं सकता है, हॉरिजॉन्टल को भी अब नहीं करेगा क्योंकि अब उसके पंखे ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि अगर प्लेन लैंड कर रहा है तो दो केस पॉसिबल है, फील्ड लाइंस मतलब इसके विंग्स अगर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है तो मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा, अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है तो किसी भी कंपोनेंट को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यहां पर मोशनल ईएमएफ नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह से लास्ट एग्जांपल है, प्लेयर कोई अगर दौड़ रहा है तो उसका केस है, देखिए अगर कोई भी खिलाड़ी कोई भी आदमी इस तरीके से जब दौड़ रहा होता है तो अगर वो पूर्व पश्चिम दिशा में दौड़े, वहां से देखिए डायग्राम से, अगर वो पूर्व पश्चिम दिशा में दौड़े तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये कि वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको वो इंटरसेक्ट करेगा। अगर वो पूर्व पश्चिम दिशा में दौड़े तो वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको इंटरसेक्ट करेगा, वर्टिकल को नहीं, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो तो वैसे ही ऑलरेडी वर्टिकल होती है, हम लोग वर्टिकली तो रहते हैं, बॉडी तो हमारी वर्टिकल है ना, और मूव हम हॉरिजॉन्टल करते हैं, तो जब हम हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं हमारी बॉडी वर्टिकल है, इसका मतलब कि हम हमेशा वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बिल्कुल पैरेलल हैं, और ऐसे केस में वर्टिकल फील्ड लाइंस नहीं इंटरसेक्ट होगी जिसकी वजह से ईएमएफ नहीं डेवलप होगा। लेकिन अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इंटरसेक्ट हो सकता है अगर हम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में यानी पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ दौड़े, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इंटरसेक्ट होगा और यहां पर मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा। और अगर हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही मूव करने लगे तो ना ही अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इंटरसेक्ट होगा, वर्टिकल तो हो ही नहीं सकता, तो यहां पर मोशनल ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। ठीक है, तो ये ढेर सारे एग्जांपल हैं, थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को, तो इसके बेसिस पर आपको पता चल पाएगा कि कहां पर मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा और कहां पर नहीं होगा। तो कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं, कई बार सीधे सीधे ये एग्जांपल्स दिए जाते हैं, कई बार तो एकदम डायरेक्ट ये स्टेटमेंट देके पूछा जाता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है कोई कंडक्टर तो क्या उसके अक्रॉस ईएमएफ डेवलप होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें, काफी ये इंपॉर्टेंट एक फार्मूला है, ये वाला फार्मूला, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं और ये जो कॉन्सेप्ट यहां पर डेवलप हुआ है, बिल्ड हुआ है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये आता है कि जो आपको पता है कि कोई भी स्टेशनरी चार्ज अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है,
ठीक। और फिर आपने अभी ये पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विथ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेट को मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, एकदम शुरुआत में हमने लेक्चर में आपको बताया। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है यहां पर स्टेशनरी चार्ज की वजह से, जिसको आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, तो स्टेशनरी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों में एक डिफरेंस है। ध्यान रखना है कि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस ये है कि स्टेशनरी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो नेचर में कंजर्वेटिव होता है, जिसको प्रूफ करने के लिए हम ये प्रूफ करते थे कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक क्लोज्ड पाथ के लिए लाइन इंटीग्रल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो स्टेशनरी चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नेचर में कंजर्वेटिव होता है, दैट मीन्स लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू स्टेशनरी चार्ज इज इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जैसा कि हमने देखा फैराडे का फार्मूला ई इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी, और इसी इंड्यूस्ड ईएमएफ को या वोल्टेज को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं ई डॉट डी एफ, है ना, ये फार्मूला वही है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आप निकालेंगे तो ये इस लेंथ इससे डिवाइड करेगा तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहां पर आप देखें अगर तो E डॉट dl मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल है वो जीरो के इक्वल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल जीरो के इक्वल नहीं है, और जीरो के इक्वल नहीं है इसका मतलब ये नेचर में क्या है, नॉन कंजर्वेटिव। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड में कि स्टेशनरी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है जबकि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का मतलब सेल्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से यहां पर है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फेनोमेना अगर आप समझते हैं तो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन आपको काफी आसानी से समझ में आएगा, और इसके फार्मूले आपको याद रखने हैं, इनके फार्मूले के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो सेल्फ इंडक्शन का मतलब यह है कि अगर जो क्वाइल हमारे पास है अगर हम उसी क्वाइल में फ्लो होने वाले करंट को चेंज करें, देखिए जैसे ये हमारे पास एक क्वाइल है, इसको हमने आपने यहाँ एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो जब हम इसी क्वाइल से पास होने वाले इस करंट को चेंज करेंगे, जैसे हम इस स्विच को क्लोज करें या फिर ओपन करें, तो उसकी वजह से करंट इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास जो क्वाइल है अगर हम उसी में करंट को चेंज करें, तो आपको पता है कि क्वाइल, ये जो आपका एक क्वाइल है या सोलेनोइड है, ये तो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जब इसके अंदर करंट फ्लो होगा, और स्विच को ऑन या ऑफ करके जब आप इस करंट को चेंज करेंगे तो करंट के चेंज करने की वजह से ये जो सोलेनोइड जो बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था, इससे निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो जाएंगी, है ना। ज़्यादा करंट मतलब ज़्यादा स्ट्रांग मैग्नेट, कम करंट का मतलब कम स्ट्रांग मैग्नेट, है ना। तो करंट जब ज़्यादा फ्लो करेंगे ज़्यादा फील्ड लाइंस निकलेंगी, कम फ्लो करेंगे कम फील्ड लाइंस निकलेंगी बनेंगी इससे। तो जब हम जिस क्वाइल में करंट को चेंज कर रहे हैं उसी क्वाइल में सेल्फ एंड मतलब उसी करंट के चेंज करने की वजह से उसी क्वाइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फेनोमेना हो, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का मतलब सेल्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने यही पढ़ा कि जब भी किसी क्वाइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज करें, अब आप उसको किसी भी तरह से चेंज करें, चाहे किसी मैग्नेट को आगे पीछे मूव करिए, चाहे उसके एरिया को चेंज करिए, या जरूरी नहीं कि हमेशा मैग्नेट इस्तेमाल किया जाए, मैग्नेट की बजाय हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इसके अंदर हम करंट फ्लो करें ये खुद ही मैग्नेट का काम करने लगेगा, और इस करंट को अगर हम चेंज करें तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही थी वो चेंज होंगी, इसका मतलब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम जिस क्वाइल में करंट को फ्लो कर रहे हैं अगर हम उसी क्वाइल में करंट को चेंज करें और करंट को चेंज करने की वजह से उसी के अंदर इंडक्शन की फेनोमेना हो जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फेनोमेना हो जाए और इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगे, तो इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो हमारे पास एक क्वाइल है जिसमें हमने एक बैटरी को कनेक्ट किया है और इस बैटरी की वजह से इसके अंदर कुछ करंट फ्लो होगा, जब हम स्विच को क्लोज करेंगे तो करंट बढ़ने लगेगा, और जब करंट बढ़ने लगेगा तो क्या होगा, करंट बढ़ने का मतलब करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फेनोमेना होगी, जिसकी वजह से एक इंड्यूस्ड करंट होगा और इंड्यूस्ड करंट उस कॉज को ही अपोज करेगा जिसकी वजह से वो खुद आया हुआ है।
तो किसकी वजह से आया हुआ है? करंट के इंक्रीज होने से। स्विच को जब आप क्लोज कर रहे थे तो इसका मतलब सर्किट में करंट इंक्रीज हो रहा था, तो ये इंड्यूस्ड करंट यहां पर कुछ इस तरीके से डेवलप होगा कि वो उस करंट को अपोज करेगा जिसकी वजह से खुद आया है। तो करंट के बढ़ने की वजह से आया है तो ये करंट को अपोज करेगा, और ये है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इस डायरेक्शन ऑफ करंट को अपोज करने का मतलब कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट होना चाहिए। तो मेन करंट, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, तो जो मेन करंट या बैटरी की करंट है वो इस तरीके से फ्लो हो रही थी स्विच को जब आप क्लोज कर रहे थे, और इसकी वैल्यू बढ़ रही थी, तो इसकी वैल्यू बढ़ रही थी तो इसको अपोज करने के लिए इंड्यूस्ड करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, यानी इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा इधर से इधर, यानी इस तरफ ऐसे, ठीक है। दूसरा केस आप ले सकते हैं, अगर आप स्विच को क्लोज करने के बजाय स्विच को ओपन कर दें, तो स्विच को जब आप ओपन कर देंगे तो जो इसके अंदर सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा था वो घटेगा और थोड़ी देर बाद जीरो हो जाएगा। तो करंट जब चेंज होगा या करंट डिक्रीज होगा तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फिनोमेनन के अकॉर्डिंग यहां पर एक इंड्यूस्ड करंट आएगा जो उस जिस कॉज की वजह से इंड्यूस हुआ है उसी को अपोज करेगा। और किसकी वजह से यह इंड्यूस हुआ है? तो करंट के डिक्रीज होने की वजह से। स्विच को ओपन कर रहे हैं ना तो करंट डिक्रीज हो रहा है सर्किट में, लेकिन ध्यान रहे डायरेक्शन ऑफ करंट अभी भी यही रहेगा, जीरो तो हो जाएगा थोड़ी देर बाद लेकिन तुरंत तो जीरो होगा नहीं। और कई लोगों को ये लगता है कि करंट ये वाला इधर जा रहा था तो ये वाला अपोज करने के लिए इधर हो गया, और इस वाले में करंट इधर जाएगा तो इसको अपोज करने के लिए ये इंड्यूस्ड करंट इधर हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप देखिए बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट का डायरेक्शन तो यही होगा बट मैग्नीट्यूड इसका डिक्रीज होगा क्योंकि आपने स्विच को ओपन कर दिया है। तो जब इसका मैग्नीट्यूड, ये वाला मैग्नीट्यूड, मेन करंट का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा? उसको इंक्रीज करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए इसी करंट के डायरेक्शन में अपना ही करंट फ्लो करेगा। दैट इज इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन मेन करंट के डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि ये करंट डिक्रीज हो रहा था ना तो इसको हेल्प करने के लिए, इसको अपोज कर कह लीजिए, ये डिक्रीज होना चाह रहा है तो ये डिक्रीज नहीं होने देगा, ये इंक्रीज होना चाह रहा है तो ये इंक्रीज नहीं होने देगा, ठीक है। तो यहां पर जो इंड्यूस्ड करंट है वो मेन करंट के ही डायरेक्शन में फ्लो होता है इसको अपोज करने के लिए, और या उस कॉज को, उस कारण को अपोज करने के लिए जिसकी वजह से ये इंड्यूस हुआ है। तो यहां पर इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ये हो गया, यहां पर इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ये हो गया। और इसके लिए अगर फार्मूले की बात करें तो सिंपल सी बात है कि इस क्वाइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, या कह लीजिए मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है, वो सीधे सीधे इसके अंदर फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा करंट फ्लो करेंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, है ना। तो इस क्वाइल का देखिए मैग्नेटिक, ये जो फ्लक्स लिंकेज है इसका मतलब क्या है? फ्लक्स लिंकेज का मतलब इस पूरी क्वाइल का टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। एक घेरे का मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी, दूसरे वाले का फाई बी, तीसरे वाले का फाई बी, एन ऐसे फेरे बने हुए, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? फाई बी प्लस फाई बी प्लस फाई बी, कितनी बार? एन टाइम्स। तो एन टाइम्स मैग्नेटिक फ्लक्स को ऐड करने का मतलब एन से सीधे मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज जिसको हम बोलते हैं वो इस पूरे क्वाइल का टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ही होता है। तो इस क्वाइल का टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो करंट के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करंट उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स या फ्लक्स लिंकेज, ठीक है। तो एन फाई प्रोपोर्शनल टू आई, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट आएगा एल, और इसी कॉन्स्टेंट को हम बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या फिर सेल्फ इंडक्टेंस। कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या फिर सेल्फ इंडक्टेंस इसको बोलते हैं, एल से इसको एक्सप्रेस करते हैं, और इसको एज अ फार्मूला आप याद कर लीजिए, काफी हेल्प करेगा ये आगे के डेरिवेशंस में भी और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में। तो एन फाइ इक्वल टू एल आई, ये एक्सप्रेशन हो गया। और यहां से आप चाहें तो एल की डिफिनीशन वगैरह दे सकते हैं, इस आई को डिवाइड कर दीजिए, और आई को डिवाइड करने के बाद फिर आप बोलेंगे अगर आई की वैल्यू वन है तो सेल्फ इंडक्टेंस फ्लक्स लिंकेज के इक्वल हो जाएगा, है ना। यूनिट करंट फ्लो होने पर जितना फ्लक्स लिंकेज है वही इसका सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा। अब इसी फार्मूले में अगर हम इस एन फाई को इस्तेमाल करें, फैराडे ने जो फार्मूला दिया था ई इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, और एन को अंदर ले जाएं तो डी बाई डी टी एन फाई, और इस एन फाई की जगह पर क्या लिख दें? एल आई। एन फाई की जगह पर एल आई पुट कर दें तो यहाँ पर देखिए एल फिर बाहर निकल जाएगा एज अ कॉन्स्टेंट, तो माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी को इधर ले जाएंगे तो ई में डिवाइड करेगा माइनस के साथ में, तो एल इक्वल टू माइनस ऑफ ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। यहाँ आप जान रहे हैं इस माइनस का कोई यहाँ पर मतलब नहीं है, क्योंकि ये माइनस तो सिर्फ इसलिए था कि ये बताने के लिए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज इन फ्लक्स को अपोज करता है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो सेल्फ इंडक्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी के इक्वल है, जहाँ पर ई का मतलब इस क्वाइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ, और डी आई अपॉन डी टी का मतलब जो चेंज होने वाले करेंट का रेट है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट, ठीक है।
और इसकी यूनिट की बात करें, सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो अगर इस फार्मूले से निकालें तो ये वोल्ट में आएगा, ये एम्पियर में आएगा, ये सेकंड में आएगा, तो वोल्ट पर एम्पियर सेकंड, और जो इसका एसआई यूनिट है वो क्या है, हेनरी। तो आप कह सकते हैं 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर पर सेकेंड। ध्यान रहे इसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे कैपिटल एच, और जो सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू होती है वो हेनरी में ना देकर के माइक्रो हेनरी या पीको हेनरी इस तरीके से दी जाती है, तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा हेनरी में, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब यहां पर दो और फार्मूले हैं कि अगर कोई हमारे पास एक लॉन्ग सोलेनोइड हो तो उसके लिए सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला, कोई प्लेन क्वाइल हो मतलब एक ही जगह पर बहुत सारे घेरे हो, एक सर्कुलर लूप हो वहीं पर बहुत सारे घेरे हो, तो ऐसे क्वाइल का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा। तो दोनों फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन एल इंटू ए, जहां पर एल मतलब आप समझ रहे हैं एल, दोनों अगर सेम लिख देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, स्मॉल एल लिखिए। एल का मतलब इस सोलेनोइड की लेंथ है, ए का मतलब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स हैं बस, और एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन एल इंटू ए। और सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ प्लेन क्वाइल की बात करें तो एल इक्वल टू म्यू नॉट पाई और एन स्क्वायर ए अपॉन टू, ठीक है, तो म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर ए अपॉन टू, ये जो फार्मूला है ये प्लेन क्वाइल के लिए, जहां पर ए का मतलब इस प्लेन क्वाइल का रेडियस है और एन का मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है। इन दोनों फार्मूले से एक चीज आपको पता चल रहा है कि अगर इस प्लेन क्वाइल या इस सोलेनोइड के अंदर एयर या वैक्यूम है तो यहां पर म्यू नॉट लिखा हुआ है, लेकिन अगर इसके अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख दें तो उस मैग्नेटिक मटेरियल का यहां पर परमिटिविटी इस्तेमाल होगा, म्यू इस्तेमाल होगा। और आपको पता है कि जो सॉफ्ट आयरन होता है, सॉफ्ट आयरन के लिए म्यू की वैल्यू, तो देखिए सॉफ्ट आयरन का मैग्नेटिक परमिबिलिटी ज्यादा होने का असर ये पड़ेगा कि जब हम इस लॉन्ग सोलेनोइड या प्लेन कॉइल के अंदर किसी सॉफ्ट आयरन रॉड को रख देते हैं तो म्यू की वैल्यू बहुत ज्यादा होने की वजह से इस कॉइल का या इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाता है। तो ये भी एक फेमस क्वेश्चन है, और सेल्फ इंडक्टेंस में भी सेम चीज पूछा जाता है और म्यूचुअल इंडक्टेंस में, म्यूचुअल मतलब जब दो दो कॉइल की बात करेंगे आगे हम पढ़ने वाले हैं, तो सेल्फ इंडक्टेंस का केस हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस का केस हो, अगर हम उसमें एक सॉफ्ट आयरन के रॉड को उस क्वाइल के अंदर रख देते हैं तो उसकी परमिबिलिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से उसका सेल्फ इंडक्टेंस या उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फार्मूला यहां पर है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ क्वाइल, मतलब ये जो क्वाइल होता है या इस तरह का ये जो क्वाइल है इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो किस फॉर्म में होती है और कितनी होती है, क्यों होती है, इसको हमको डिस्कस करना है। देखिए कैपेसिटर के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो कैपेसिटर होता है जिसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स होती हैं, इनके बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और हम यही कहते हैं कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होती है, और उसकी एनर्जी का फार्मूला भी आपको पता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और अगर पूरे वॉल्यूम के लिए बात करें तो यहाँ पर हम ई स्क्वायर के बाद डीवी इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये पूरा हमको इसकी एनर्जी का फार्मूला मिल जाएगा। अगर एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो ये आता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। तो किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अपने अंदर जो एनर्जी स्टोर करता है उसका फार्मूला है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और इसको हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर है। लेकिन जब हम किसी क्वाइल की बात करते हैं, इस क्वाइल को हम इस ये जो क्वाइल है इसी को हम इंडक्टर भी बोलेंगे, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स काफ़ी ज़्यादा हो, इसी क्वाइल को हम इंडक्टर भी बोलेंगे जिसका इंडक्टेंस हाई होता है। तो ये जो इंडक्टर होता है या क्वाइल होता है इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसका फार्मूला होता है 1/2 एल आई नॉट स्क्वायर, जहाँ पर एल इसका सेल्फ इंडक्टेंस है और आई नॉट क्या है, आई नॉट है इस क्वाइल के अंदर फ्लो होने वाला स्टीडी करेंट। ध्यान रखिए आई नॉट का मतलब क्या है, यहाँ पर स्टीडी करेंट। स्टीडी करेंट का मतलब ये हुआ, देखिए जब किसी क्वाइल को आप बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, इस बैटरी की वजह से कुछ करेंट फ्लो होता है, करंट की वैल्यू शुरुआत में थोड़ा टाइम लगता है उसको इंक्रीज होने में, तो जब वो इंक्रीज हो रहा होता है तो तब तक यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फिनोमेना हो जाती है और एक इंड्यूस्ड करंट इस बैटरी से चलने वाले मेन करंट को अपोज करने लगता है। अब इस मेन करंट को स्टीडी वैल्यू तक, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू तक पहुँचाने के लिए इस बैटरी को एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, अपनी एनर्जी को खर्च करना पड़ता है इस इंड्यूस्ड करंट के अगेंस्ट। ये इंड्यूस्ड करंट आपके मेन करंट को अपोज कर रहा है, बढ़ने नहीं देना चाह रहा है, लेकिन ये बैटरी इसको बढ़ाना चाहती है, तो इसकी वजह से इसको कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, और जितना इसको वर्क करना पड़ता है इसके अगेंस्ट
वो पूरा का पूरा वर्क या कह लीजिए वो पूरी की पूरी एनर्जी इस इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी। और इसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 LI0² तो किसी भी क्वाइल में एनर्जी क्यों स्टोर होती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फेनोमेना होती है तो इस बैटरी को, इस करंट को इंक्रीज करने के लिए और एक स्टेडी वैल्यू तक पहुंचाने के लिए, कांस्टेंट वैल्यू तक, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचाने के लिए इसको वर्क करना पड़ता है। और जितना ये वर्क करती है, लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग जितना ये बैटरी वर्क करती है, अपनी एनर्जी खर्च करती है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती बल्कि इस क्वाइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। और उसको हम बोल सकते हैं इस क्वाइल का पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और इसका फार्मूला होता है 1/2 LI0² ठीक है। चलिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप नोट कर लें। और सेम पैटर्न पर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, म्यूचुअल इंडक्शन। चलिए, तो म्यूचुअल इंडक्शन को समझ लेते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि म्यूचुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब जिस क्वाइल में हम करंट को फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फेनोमेना उसके बगल में किसी दूसरे क्वाइल के अंदर हो रही हो, तो इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अब आप कहेंगे सर, इससे पहले वाले टॉपिक में जब एक ही क्वाइल था और उसमें करंट को चेंज कर रहे थे तो उसी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा था, जिसको हम सेल्फ इंडक्शन बोल रहे थे। लेकिन अगर इसके बगल में अभी दूसरी क्वाइल रख दे रहे हैं तो क्या इसके अंदर होने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन खत्म हो गया? तो ध्यान रखिएगा, अभी भी इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फिनोमेना हो रही है, बट हम इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी सेल्फ इंडक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसके सेल्फ इंडक्शन को ले लेंगे तो फिर म्यूचुअल इंडक्शन को कैसे समझ पाएंगे? तो अभी हम बस सेपरेटली सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी यहां पर अगर ये दोनों क्वाइल एक दूसरे के काफी नजदीक हैं तो सेल्फ इंडक्शन भी हो रहा है और इनका म्यूचुअल इंडक्शन भी हो रहा है। तो आगे हम ग्रुपिंग ऑफ सोलेनोइड की जब बात करेंगे तो वहां पर जो फार्मूला मिलेगा उससे आपको पता चलेगा कि सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन दोनों यहां पर हो रहे हैं। बट अभी हम चूंकि म्यूचुअल इंडक्शन को समझना चाहते हैं तो सेल्फ इंडक्शन की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास एक क्वाइल है जिसके अंदर आप बिल्कुल, ये पूरा वही डायग्राम है, करंट को आप चेंज कर रहे हैं और इसके बगल में आपने दूसरा क्वाइल रखा हुआ है। तो जब इसमें फ्लो होने वाले करंट को आप चेंज करेंगे स्विच को क्लोज करके या ओपन करके, तो करंट को चेंज करने से इससे जो फील्ड लाइंस निकल रही थी वो भी चेंज होंगी। फील्ड लाइंस जब चेंज होंगी तो इस क्वाइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज की वजह से इसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा और एक करंट फ्लो होने लगेगा और इस फेनोमेनन को हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। अच्छा, जिस क्वाइल के अंदर हम करंट को वेरी करते हैं बैटरी लगा करके, उस क्वाइल को हम बोलते हैं प्राइमरी क्वाइल। और जिसके अंदर वो इंड्यूस्ड करंट फ्लो होता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फेनोमेना होती है, उस क्वाइल को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी क्वाइल, ठीक है। तो ये वाली क्वाइल जो प्राइमरी क्वाइल है, इसमें हमने क्या किया, जब स्विच को हम क्लोज कर रहे थे तो करंट इंक्रीज हो रहा था, तो करंट इंक्रीज हो रहा था तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब होगा तो इंड्यूस्ड करंट इस करंट को अपोज करेगा, तो ये इंक्रीज कर रहा है तो वो अपोज करने का मतलब उसको डिक्रीज करना चाहेगा, डिक्रीज करना चाहेगा दैट मीन्स इस करंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये करंट फ्लो होगा, ठीक है। और इस वाले केस में जब हम स्विच को ओपन कर रहे थे तो स्विच को जब हम ओपन करेंगे तो क्या होगा, स्विच को ओपन करने का मतलब इस सर्किट में जो करंट है वो डिक्रीज होगा, और इसमें जब करंट डिक्रीज होगा तो इसको सपोर्ट कर, अब इसको अपोज करने का मतलब क्या, इस कॉज को अपोज करना यानी कि इसके डिक्रीमेंट का अपोज करना। तो जब आप इसको ओपन कर रहे थे तो ये जो इसके अंदर अभी करंट थोड़ा बचा था वो करंट अब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रहा है, और ये क्वाइल क्या करेगी, उस करंट के डिक्रीमेंट को अपोज करेगी। तो डिक्रीमेंट का अपोज करने का मतलब करंट को घटने नहीं देना चाहेगी, और करंट को घटने नहीं देना चाहेगी मतलब करंट को बढ़ाने का प्रयास करेगी। तो ये करंट जो घट रहा है इसको बढ़ाने के लिए ये करंट के ही डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है। तो यहां पर ये है इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन, यहां पर ये है इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन, और ये जो मेन करंट है उसका डायरेक्शन तो सेम ही होता है, ठीक है। चलिए, अब यहां पर हम लोग पता करना चाहते हैं कि इसका जो म्यूचुअल इंडक्शन है इन दोनों क्वाइल का, वो म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए फार्मूला क्या है। तो देखिए, N2 phi 2 proportional to I1 क्यों लिखा, N2 phi 2 से हमारा मतलब दूसरी वाली क्वाइल से है जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है। तो दूसरी वाली क्वाइल का जो फ्लक्स लिंकेज या टोटल फ्लक्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पहली वाली या प्राइमरी क्वाइल में फ्लो होने वाले करंट के ऊपर। जितना ज्यादा करंट फ्लो करेंगे उतना ज्यादा फ्लक्स इससे लिंक होगा, एसोसिएट होगा। तो पिछले वाले में एक ही क्वाइल था, सेल्फ इंडक्शन में एक ही क्वाइल था, तो 1 या 2 सिंबल लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहां 2-2 क्वाइल है तो आपको बताना पड़ेगा कि फ्लक्स लिंकेज किसका और फ्लो होने वाला करंट किसका।
तो प्राइमरी करंट कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है तो इसलिए इसको I1 बोलेंगे। सेकेंडरी कॉइल में इसका फ्लक्स लिंकेज हम लिख रहे हैं यहाँ पर, तो N2 ∅2 जो कॉइल का है वो इसमें फ्लो होने वाले करंट I1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को हम बोलेंगे कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो इस फार्मूले को याद कर लेंगे N2 ∅2 इक्वल टू MI1। अब देखिए फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग E इक्वल टू माइनस ND∅dt, लेकिन ये जो इंड्यूस्ड EMF आएगा वो किसके अंदर आएगा, सेकेंडरी कॉइल के अंदर, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। यहाँ पर भी हमको 2 लिखना चाहिए क्योंकि सेकेंडरी कॉइल का ही नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पर भी 2 लिखना चाहिए सेकेंडरी कॉइल के एक लूप का फ्लक्स। इस N को जब अंदर ले जाएंगे फाई के साथ हो जाएगा तो यहाँ पर ये N2 ∅2 मिलेगा, और N2 ∅2 की वैल्यू फिर से इसी फार्मूले से रख देंगे MI1, और M एज अ कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा तो E इक्वल टू माइनस MDI/dt आ जाएगा, और यहाँ से ये E2 है, M के लिए फार्मूला निकालेंगे तो आ जाएगा E2/dI1/dt। और सेल्फ इंडक्शन की तरह इसका भी जो यूनिट होता है वो हेनरी ही होता है, क्योंकि उसमें भी राइट साइड में आपको E/dI/dt मिला था, दैट मीन्स वोल्ट अपान एम्पियर पर सेकेंड, इसमें भी मिल रहा है वोल्ट अपान एम्पियर पर सेकेंड, तो उसकी जो यूनिट थी वही यूनिट इसकी भी होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है, हेनरी होता है, तो 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट/1 एम्पियर/सेकेंड। अब यहां पर एक चीज आता है, कई बार सिंबल लिखा रहता है M12 या M21, मतलब ये जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो किसका है, पहली वाली कॉइल का है कि दूसरी वाली कॉइल का है, तो म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब वो किसी एक का नहीं होता है। जैसे अगर दो चार्जेस के बीच में हम आपसे पूछें कूलाम फोर्स किसने किसके ऊपर लगाया, वो जो फार्मूला है F=1/4πε0Q1Q2/r², वो फार्मूला पहले की वजह से दूसरे पर है कि दूसरे की वजह से पहले पर है। इसी तरह से दो मासेस अगर हम ले लें तो पहले मास की वजह से दूसरे मास पर या दूसरे मास की वजह से पहले मास पर जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला वो किसके लिए। तो ध्यान रहे आपको म्यूचुअल वर्ड का मतलब ये होता है कि वो दोनों का होता है, पहले चार्ज की वजह से दूसरे पर जितना फोर्स लगता है दूसरे की वजह से पहले पर भी उतना ही फोर्स लगता है। इसीलिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले की वजह से दूसरे पर लगने वाला फोर्स और दूसरे चार्ज की वजह से पहले पर लगने वाले फोर्स का रेशियो बताइए, तो रेशियो कैसे आएगा, रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा, सेम ही फोर्स दोनों एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, वो फार्मूला सेम ही रहता है दोनों के लिए। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि जो कूलाम फोर्स है या जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो म्यूचुअल फोर्स है। बिल्कुल वैसे ही ये जो कॉन्स्टेंट यहाँ पर है इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये किसी एक कॉइल का नहीं है बल्कि इस क्वाइल के कॉम्बिनेशन का है, आप कह सकते हैं इसकी वजह से इसका या इसकी वजह से इसका, ओवरऑल कह सकते हैं इन दोनों क्वाइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ये इन दोनों क्वाइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो चाहे हम यहां 1:2 लिखें या 2:1 लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम इसमें करंट फ्लो करने की बजाय इसमें करंट फ्लो करते और ये जो इंडक्शन की फिनोमेना है वो यहां पर होती तब भी वही एम आता, अगर क्वाइल वही है तो एम वही आएगा, भले ही आप इसकी बजाय इसमें करंट फ्लो करें, है ना, ये जो सेकेंडरी है इसको प्राइमरी बना दे और प्राइमरी को सेकेंडरी बना दे, लेकिन ये जो M आ रहा है वो अभी भी वही आएगा अगर ये क्वाइल सेम है तो। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम बोला जाता है, M12 और M21 दोनों आपस में इक्वल होते हैं, जिसको हम सिंपली सिर्फ M से एक्सप्रेस करेंगे, 1 या 2 लिखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग चलिए, तो जैसे पीछे आपने लॉन्ग सोलेनोइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस और प्लेन कॉइल के लिए सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था, वैसे यहां पर भी आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ना है। तो अगर दो क्वाइल ऐसे हो कोएक्सियल, कोएक्सियल का मतलब जैसे इस तरह से एक क्वाइल हो दूसरा उसी के ऊपर लिपटा हो, दोनों का एक्सिस सेम हो, तो इनके अंदर म्यूचुअल इंडक्शन की फिनोमेना होगी, जब आप इसमें करंट फ्लो करेंगे तो इस वाली क्वाइल का फ्लक्स चेंज होगा जिसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्शन की फिनोमेना यहां पर होगी। तो इस तरह के सोलेनोइड को हम बोलते हैं कोएक्सियल सोलेनोइड। तो दो कोएक्सियल लॉन्ग सोलेनोइड के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला μ0N1N2A/L होता है, और अगर प्लेन क्वाइल ले लें, दो प्लेन क्वाइल हो तो उनके लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला μ0πN1N2A²/2N1, जहां पर ध्यान रखिएगा, अच्छा एक सेकेंड, यहां पर μ0πN1N2 यहां पर ये a स्क्वायर जो लिखा हुआ है इसमें ये लिखना पड़ेगा ना कि a स्क्वायर में जो a है यहां a²² होना चाहिए ना, a², मतलब दूसरी वाली क्वाइल का एरिया सॉरी रेडियस और ये पहली वाली क्वाइल का रेडियस, पहली का मतलब प्राइमरी क्वाइल जिसके अंदर करंट फ्लो होगा उसका रेडियस, दूसरी का मतलब सेकेंडरी क्वाइल। ठीक है, इसी तरह से ये प्राइमरी क्वाइल में नंबर ऑफ टर्न्स है, ये सेकेंडरी क्वाइल में नंबर ऑफ टर्न्स है, यहां पर भी ये N1 और N2 है।
इस फार्मूले में भी आप देख रहे हैं कि अगर इन दोनों क्वाइल्स के बीच में एयर या वैक्यूम है तो एयर या वैक्यूम का या फ्री स्पेस का परमीबिलिटी यहाँ पर लिखा गया है। उनके अंदर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल आप डाल देंगे तो उस मैग्नेटिक मटेरियल की जो परमीबिलिटी है वो यहाँ पर यूज होने लगेगी। और आपको पता है सॉफ्ट आयरन का जो परमीबिलिटी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है। तो अगर हम इस में इस दोनों क्वाइल में भी सॉफ्ट आयरन के रॉड को रख दें तो उसकी परमीबिलिटी हाई होने की वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सेल्फ इंडक्टेंस का केस हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस का केस हो, अगर आप सॉफ्ट आयरन के कोर को या रॉड को इस्तेमाल करते हैं तो इंडक्टेंस की जो वैल्यू है, सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए एक चीज यहां पर और है, कोफिशियंट ऑफ कपुलिंग। तो देखिए दो क्वाइल को जब आप कपुल करते हैं, कपुल मतलब कंबाइन करते हैं, जैसे ये कपुल किया गया, ये कपुल किया गया, तो दो क्वाइल को जब आप एक दूसरे के आसपास कपुल करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन कराने के लिए, तो पहली वाली क्वाइल का कितना मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरी वाली क्वाइल से पास हो रहा है, इस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास एक क्वांटिटी है जिसको हम बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ कपुलिंग। इसको के से एक्सप्रेस करेंगे, के इक्वल टू एम अपॉन अंडरवुड एल वन एल टू। इससे आपको यह पता चलता है कि पहली वाली क्वाइल का कितना मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरी वाली क्वाइल से पास हो रहा है। अगर पूरा का पूरा इससे पास हो रहा होगा तो आप कहेंगे परफेक्ट कपलिंग की गई है, दो क्वाइल को इस तरीके से आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, रख दिया जाए एक दूसरे के पास कि इसके हर एक फील्ड लाइंस इससे पास हो, कोई भी बाहर वेस्ट ना हो, लीकेज ना हो, इसको हम बोलते हैं परफेक्ट कपलिंग। तो जब परफेक्ट कपलिंग होती है तो कोफिशियंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू 1, और जब इसका कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास ना हो तो इसको हम बोलते हैं सबसे, कह सकते हैं आप नो कपलिंग या वर्स्ट कपलिंग। वर्स्ट कपलिंग के केस में कोफिशियंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू हो जाती है 0। तो जैसे ये डायग्राम है आप देखिए, अगर इस तरीके से कोएक्सियली इनको कपल कर दिया जाएगा तो इसकी जितनी भी फील्ड लाइंस होंगी प्राइमरी कॉइल की वो सेकेंडरी कॉइल से होकर के ही गुजरेंगी, ऐसे केस में कोफिशियंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू 1। और यहाँ पर आप देखिए इसकी कोई भी, इस प्राइमरी कॉइल की कोई भी फील्ड लाइन सेकेंडरी कॉइल से नहीं पास होगी तो इस तरह के कपलिंग को हम बोलेंगे मतलब नो कपलिंग, और इसके लिए के की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये फार्मूला आप याद कर सकते हैं, के इक्वल टू एम अपॉन अंडरवुड एल वन एल टू, जहाँ पर एल वन और एल टू आप समझ रहे होंगे, एल वन क्या है पहली वाली क्वाइल का या प्राइमरी क्वाइल का सेल्फ इंडक्टेंस, और L2 क्या है दूसरी वाली क्वाइल का सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो K इक्वल टू एम अपान अंडरवुड L1 L2, ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको आप ध्यान रखें। और K की वैल्यू ये देखिए बहुत ही आइडियल केस है, ये बहुत ही आइडियल केस है K की वैल्यू 1 हो, तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो K की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी फील्ड लाइंस होती हैं जो प्राइमरी क्वाइल की फील्ड लाइन सेकेंडरी क्वाइल से पास नहीं होती, थोड़ा बहुत लीकेज हो सकता है, तो आइडियल केस में 1 हो सकता है बट प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू 1 से कम होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडक्टर्स, मतलब दो इंडक्टर या दो क्वाइल्स को जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हो या जिसका सेल्फ इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे क्वाइल या ऐसे इंडक्टर का हम कॉम्बिनेशन करेंगे, और दो तरह से कॉम्बिनेशन करेंगे, एक होगा सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी दो कंडीशंस होंगी, जब ये क्वाइल्स एक दूसरे से बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पर हो और जब ये दोनों क्वाइल एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर हो। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब ये कि जब दोनों में सेम करंट फ्लो हो। ठीक है, तो दोनों में जब सेम करंट फ्लो होगा इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब ये दोनों इंडक्टर्स या दोनों क्वाइल एक दूसरे से लार्ज डिस्टेंस पर होंगे, तो लार्ज डिस्टेंस से यहाँ पर इतना मतलब है कि देखिए अगर नज़दीक नज़दीक होते तो म्यूचुअल इंडक्शन की भी फेनोमेना होती, लेकिन जब ये लार्ज डिस्टेंस पर है तो सिर्फ और सिर्फ इसमें और इसमें सेल्फ इंडक्टेंस की फेनोमेना होगी। ठीक है, और दोनों नज़दीक होते तो सेल्फ इंडक्शन भी होता और म्यूचुअल इंडक्शन भी होता। तो कंडीशन नंबर 1 ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब दोनों इंडक्टर एक दूसरे से लार्ज डिस्टेंस पर हों, तो जब लार्ज डिस्टेंस पर होगा तो म्यूचुअल इंडक्शन को कंसीडर नहीं करना है, तो इनका जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आएगा वो होगा L इक्वल टू L1 प्लस L2। ठीक है, हमने आपको फार्मूला भी बताया कि कैसे आपको याद रखना है, तो LCR से आपको याद रखना है कि L और R ये दूर के ढोल जैसे सुहाने होते हैं, तो L और R का नेचर एक जैसा होता है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का C से अलग होता है, तो C इनका पड़ोसी तो दोनों लोगों का इससे नहीं जमता है ना, पड़ोस के लोगों की इज्जत कम होती है या इनके बीच में 36 का आंकड़ा होता है हमेशा, तो C का जो बिहेवियर है वो L से भी अलग है और R से भी अलग है, लेकिन L और R एक दूसरे से दूर हैं तो इनके बीच में काफ़ी अच्छा जमता है और इनका नेचर एक जैसा होता है। ठीक है,
तो आप जानते हैं रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्वल टू R1 प्लस R2, तो वैसे ही इंडक्टर के लिए भी, क्वाइल के लिए भी सीरीज कॉम्बिनेशन में L इक्वल टू L1 प्लस L2। लेकिन ये सिर्फ तब तक हम बात कर रहे हैं जब ये दोनों एक दूसरे से लार्ज डिस्टेंस पर हैं, यानी म्यूचुअल इंडक्शन की फिनोमेना को कंसीडर नहीं कर रहे। अगर यही दोनों क्वाइल ऐसे ही जुड़े हों लेकिन लार्ज डिस्टेंस की बजाय स्मॉल डिस्टेंस पर हो जाएं, एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ जाएं, तो जब एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं तो सेल्फ इंडक्शन के साथ साथ म्यूचुअल इंडक्शन की भी फिनोमेना होगी। जैसा कि पीछे मैंने आपको बताया भी कि जब दो क्वाइल एक दूसरे के नज़दीक रहते हैं तो सेल्फ इंडक्शन भी होता है, म्यूचुअल इंडक्शन भी होता है। बट चूंकि म्यूचुअल इंडक्शन को हमको अलग से पढ़ना था तो उसको हमने सिर्फ सेल्फ इंडक्शन को कंसीडर नहीं किया। एक्चुअल में हो दोनों रहा होता है अगर ये स्मॉल डिस्टेंस पर है तब, ठीक है। तो जब दोनों क्वाइल सीरीज कॉम्बिनेशन में एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर हों, जैसे कि ये अच्छा देखिए ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन ही है और इन दोनों डायग्राम में सिर्फ अंतर इतना है कि इसमें और इसमें दोनों में मैग्नेटिक फ्लक्स जो फील्ड लाइंस बन रहे हैं उसका डायरेक्शन सेम है, लेकिन इसमें और इसमें फील्ड लाइंस का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, जबकि हैं दोनों के दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में। यहाँ पर देखिए जो करंट ऐसे जा रहा था वही करंट इसमें भी तो जा रहा है, लेकिन चूंकि इसमें करंट इधर से जा रहा था तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये मिला। इसमें जो करंट है अब इधर से इंटर कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया, जबकि इसमें क्या था दोनों में इसी तरफ से करंट इंटर कर रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम था। इसको हम बोलते हैं जब करंट ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम डायरेक्शन में होती तो इसको हम बोलते हैं कि करंट सेम सेंस में फ्लो हो रहा है, इसको हम बोलते हैं करंट अपोजिट सेंस में फ्लो हो रहा है, जबकि एक्चुअल में करंट सेम ही फ्लो हो रहा है दोनों में, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है, लेकिन यहां पर करंट दोनों में ऐसा फ्लो हो रहा है कि उसका इफेक्ट एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है जबकि यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में दो बातें होती हैं कि करंट जो फ्लो हो रहा है वो सेम सेंस में हो रहा है कि अपोजिट सेंस में हो रहा है। तो करंट जब सेम सेंस में फ्लो होगा और दोनों एक दूसरे से बहुत नज़दीक होंगे तो सेल्फ इंडक्शन भी होगा, म्यूचुअल इंडक्शन भी होगा। दोनों एक दूसरे के बहुत नज़दीक हों और करंट अपोजिट सेंस में फ्लो हो तब भी सेल्फ इंडक्शन भी होगा, म्यूचुअल इंडक्शन भी होगा। तो इन दोनों ही केसेस में, मतलब जब दोनों कॉइल एक दूसरे के बहुत नज़दीक रहते हैं तो फार्मूला आता है L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m, जहां पर m मतलब क्या, इन दोनों कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना। तो सेल्फ इंडक्टेंस के साथ साथ म्यूचुअल इंडक्शन की भी फेनोमेना हो रही, इसलिए यहां पर m को भी कंसीडर कर रहे हैं। तो लार्ज डिस्टेंस पर सिंपल सा फार्मूला है, स्मॉल डिस्टेंस पर आने पर सेम सेंस या अपोजिट सेंस का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m, यहां पर प्लस माइनस का मतलब यही है कि एक सिंबल जो है सेम सेंस के केस में यूज होगा, एक सिंबल अपोजिट सेंस के केस में यूज होगा। तो प्लस जो है वो करंट इन सेम सेंस, माइनस जो है करंट इन अपोजिट सेंस, तो इस वाले केस में माइनस रहेगा, इस वाले केस में प्लस रहेगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल इसी तरीके से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं कि अगर ये दोनों इंडक्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो, यानी कि दोनों के लिए जो करंट हो वो अलग अलग हो, तो ऐसे केस में जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का फार्मूला आएगा वो बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह आएगा, 1 अपान आर जैसे आता था। तो 1 अपान एल इक्वल टू 1 अपान एल1 प्लस 1 अपान एल2। अब इसमें फिर कंडीशन लेंगे कि अगर ये दोनों इंडक्टर या दोनों क्वाइल एक दूसरे से बहुत ही नज़दीक हों, तो बहुत ही नज़दीक होंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस के साथ साथ म्यूचुअल इंडक्शन भी यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा। और नज़दीक होने के बाद फिर हम ये बात भी देखते हैं कि सेम सेंस में करंट फ्लो हो रहा है कि अपोजिट सेंस में हो रहा है। आप देखिए ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जैसे करंट इसमें डिस्ट्रीब्यूट होके जा रहा था वैसे करंट इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट होके जा रहा है, आई वन इधर गया आई टू इधर गया, लेकिन करंट सेम सेंस में फ्लो हो रहा है, सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है, लेकिन यहाँ पर सेंस अपोजिट हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी अपोजिट हो गई। तो ऐसे केसेस में जो हमारे पास रिजल्ट आता है इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का, 1 अपान एल इक्वल टू एल वन प्लस एल टू प्लस माइनस टू एम अपान एल वन एल टू माइनस एम स्क्वायर, और प्लस माइनस का वही मतलब है कि प्लस माइनस ये सिंबल आते हैं सेम सेंस में करंट फ्लो हो रहा है कि अपोजिट सेंस में, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको कि अगर लार्ज डिस्टेंस पर हैं दोनों इंडक्टर तो जो रिजल्ट आएगा वो रेजिस्टेंस का जो रिजल्ट आता है वैसा रहेगा, अगर स्मॉल डिस्टेंस पर आते हैं तो प्लस माइनस का तो कॉन्सेप्ट हो जाएगा, इन दोनों को मिला करके ये म्यूचुअल इंडक्शन को भी कंसीडर यहां कर लेंगे। यही वाला फार्मूला थोड़ा मुश्किल है तो इसलिए आप इसको ध्यान रखें, वन अपान जैसे इसको जब सॉल्व करते हैं तो यही आता है, इसको सॉल्व करने के बाद आता है वन अपान एल इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या मिलेगा एल वन प्लस एल टू और अपान में एल वन एल टू। तो याद करने के लिए ये हो सकता है एल वन प्लस एल टू अपान एल वन एल टू तो है, बट म्यूचुअल इंडक्शन वाला एक्सप्रेशन आ गया, ऊपर प्लस माइनस के साथ टू एम रहेगा और नीचे माइनस के साथ एम स्क्वायर रहेगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं ईडी करेंट।
चलिए तो लास्ट टॉपिक को समझ लेते हैं, दैट इज ईडी करंट, या इसी को हम हिंदी में बोलते हैं भंवर धाराएं। भंवर धारा का मतलब ये होता है कि चक्करदार धाराएं। जैसे कई बार आप देखे होंगे नदियों में जो पानी होता है वो एक ही जगह पर ऐसे गोल गोल चक्करदार धाराओं के रूप में यहाँ पर घूमता रहता है, और लोग कहते हैं बहुत ही खतरनाक है, वहां ना जाना जाओ नहीं तो उसी में अंदर वो आपको खींच लेगा, है ना। तो इसको हम बोलते हैं भंवर धाराएं या फिर ईडी करंट। ये जो ईडी करंट है वो वाटर का है, हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का ईडी करंट पढ़ना है। तो ईडी करंट वास्तव में होता क्या है, तो ईडी करंट्स आर द करंट इंड्यूस्ड इन अ सॉलिड मेटालिक मासेस व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू देम चेंजेज। मतलब अगर, चूंकि आपने ये पढ़ा कि कोई भी एक क्लोज्ड लूप होता है और उसके मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज करते हैं तो इसमें एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगता है। अगर एक क्लोज्ड लूप या वायर की जगह पर हम पूरा एक मेटल ले लें, जैसे कि इस तरह का कोई केस हो, कोई एक मेटालिक सीट हम ले लें और उससे पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज करें, तो क्या होगा, बहुत सारी गोल गोल ऐसे बहुत सारे ऐसे लूप बन जाते हैं इंड्यूस्ड करंट के। ध्यान रखिएगा ईडी करंट क्या है, इंड्यूस्ड करंट ही है। लेकिन जब एक लूप आप सिंपल सा वायर लेते हैं तो सिर्फ वो आपका नॉर्मल सा इंड्यूस्ड करंट बोला जाता है, लेकिन जब आप वायर की जगह पर पूरा एक मेटालिक सीट ले लेते हैं जिसके पास कुछ वॉल्यूम हो, तो ऐसे केस में उसके पूरे वॉल्यूम में ऐसे गोल गोल इंड्यूस्ड करंट बन जाता है, और ये गोल गोल होने की वजह से ईडी करंट से मैच करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ईडी करंट्स। ठीक है, तो ईडी करंट कोई अलग चीज नहीं है, वही जो इंड्यूस्ड करंट है वही ईडी करंट है, बस आपको वायर की जगह पर कोई मेटालिक सब्सटेंस यूज करना पड़ेगा जिसके पास अपना एक मतलब वॉल्यूम होना चाहिए, थिकनेस होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब ये जो ईडी करंट होता है इसका डायरेक्शन पता करने के लिए हमारे पास वही लॉज हैं जो कि इंड्यूस्ड करंट के लिए होता था, क्योंकि ये भी ईडी इंड्यूस्ड करंट है, तो लेंज लॉ को यूज करके हम ईडी करंट का भी डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप इस डायग्राम को देखें, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि ईडी करंट का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं। देखिए ये मैग्नेट का साउथ पोल है और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, है ना, तो इसका मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हो गया। और ये एक कोई मेटालिक सीट है, मतलब एक वायर नहीं है, पूरा मेटल है, तो इस पूरे मेटालिक सीट को हमने यहाँ पर कहीं से मान लीजिए सस्पेंड किया है और ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। तो जब ये मेटालिक सीट इसके अंदर इंटर करेगा तो क्या होगा, मेटालिक सीट जब इसके अंदर इंटर करेगा तो इंटर करने पर इससे पास होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, दैट मीन्स इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। तो ये जब सीट इसके अंदर इंटर करेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज जब होगा तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, और जिसकी वजह से इसके अंदर गोल गोल सर्कुलर लूप के फॉर्म में इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगेंगे जिसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। तो जो यहां पर अब इंड्यूस्ड करंट इस पूरे मेटल के वॉल्यूम में बनेगा इस तरह से इंड्यूस्ड करंट, उसका डायरेक्शन हम कैसे पता करें, तो लेंज लॉ आपको यही कहता है कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि ये उस कॉज को ही अपोज करे जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पर ये इंड्यूस्ड करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है, जब ये अंदर जा रहा था तो इससे इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट आया है। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि फ्लक्स के इंक्रीमेंट को ये अपोज करे। फ्लक्स के इंक्रीमेंट को अपोज करने का मतलब क्या, अब देखिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। जितना ज्यादा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास होंगी उतना ज्यादा इसका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करना या मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करने का मतलब इससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिक्रीज करना पड़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिक्रीज करने के लिए क्या होता है, करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए कि इस करंट लूप का, इस इंड्यूस्ड करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड बने वो इस वाले मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रहे। अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है तो अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड जस्ट उल्टा बन जाए तो वो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, रिड्यूस करेगा, और नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इसका डिक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, फाई बी अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि वो फाई बी को डिक्रीज करे। फाई बी को डिक्रीज करने का मतलब बी की जो वैल्यू है उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। बी की वैल्यू डिक्रीज करने का मतलब ये वाले बी के अपोजिट डायरेक्शन इसका बी बनना चाहिए, और इसके बी का डायरेक्शन आप जानते ही हैं कि आप डायरेक्शन अगर आप देखिए इस तरह से लेते हैं, ये जैसा हमने यहाँ पर बनाया क्लाक वाइज, तो अगर क्लाक वाइज हम ईडी करेंट का डायरेक्शन लें तो राइट हैंड थंब रूल से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, जबकि इस एक्सटर्नल मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड था उसका डायरेक्शन इधर की तरफ था, अंदर की तरफ।
है ना। तो इसका मतलब जब हम इसको अंदर ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करने के लिए इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए। इसका उल्टा केस जरा देखिए, अगर हम इस सीट को बाहर ले जाएं तो सीट को बाहर ले जाएंगे तो इससे पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स के डिक्रीज होने से फिर से इसके अंदर ईडी करंट आ जाएगा। अब इस ईडी करंट या इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए जो इस मैग्नेटिक फ्लक्स के डिक्रीमेंट को अपोज करे। डिक्रीमेंट को अपोज करने का मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स को जो बढ़ाए, और मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड तभी बढ़ेगा जब इसका मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, और राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आपको तभी मिलेगा जब इसके अंदर फ्लो होने वाला करंट इस डायरेक्शन में होगा। ये देखिए फिंगर का जो कर्ल है, दैट मींस ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी ये जो अभी हमने बनाया था ये कैसा था, ये एंटी क्लॉकवाइज था, हमने गलती से क्लॉकवाइज बोल दिया। तो अभी जो इसमें डायरेक्शन बनेगा वो क्लॉकवाइज बनेगा, जिसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इसका भी है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ने लगेगा, जबकि आप मैग्नेटिक फ्लक्स को घटाने की कोशिश कर रहे थे। समझ पा रहे हैं बात को? तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर लेंज लॉ ने जो बताया था कि जिस कारण से ये इंड्यूस होता है उसी को अपोज करेगा, इसके बेसिस पर आप इंड्यूस्ड करंट या ईडी करंट का डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात यहाँ पर क्या है कि ईडी करंट जो यहाँ पर प्रोड्यूस होता है वो अननेसेसरी हीटिंग और प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से एनर्जी या पावर का लॉस होता है, है ना। कहीं पर भी जब मेटल में ईडी करंट प्रोड्यूस होता है तो उस ईडी करंट की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होता है, और हीट जो प्रोड्यूस होता है वो हमारी एनर्जी को फालतू का नुकसान करता है, और वो हीट जो है वो भी कई बार नुकसानदायक होता है। तो ईडी करंट कहीं ना कहीं एक अननेसेसरी फेनोमेना है जिसको हम नहीं चाहते हैं, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। जैसे कि किसी मोटर में आर्मेचर क्वाइल है, या जनरेटर में जो आर्मेचर क्वाइल घूमता है, ट्रांसफार्मर में जो आपका क्रोड होता है, जो आयरन कोर होता है, उसमें जो ये ईडी करंट प्रोड्यूस होता है वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से एनर्जी लॉस होता है या पावर लॉस होता है। लेकिन कई बार ये हमारे लिए यूजफुल भी होता है, तो हम इसको यूज भी ले आते हैं। बट मान लीजिए जब ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है, जब जैसे इन केसेस में ये हमारे लिए नुकसानदायक चीज़ है, तो ऐसे में हम ईडी करंट को डिक्रीज कैसे करें, तो इसके लिए कुछ चीज़ें आप ध्यान रखें। जैसे ये पूरा मेटल है तो इसमें इस तरीके से ईडी करंट प्रोड्यूस होगा, लेकिन इस पूरे मेटल को अगर हम छोटे छोटे स्लाइड्स के फॉर्म में काट लें और उनके बीच में कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से उसको आपस में कनेक्ट कर दें, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं लैमिनेटेड। यानी जो आपका पूरा मटेरियल होगा इस ट्रांसफार्मर में, जनरेटर में, इन सब में, यहाँ ट्रांसफार्मर में जो आयरन कोर हम यूज़ करते हैं, उसको हम इस तरह से पूरा एक मेटल के फॉर्म में, एक मोटा सा मेटल लेने की बजाय हम उसको छोटे छोटे स्लाइड्स में काट देते हैं और वार्निश से कनेक्ट कर देते हैं, ताकि इसका जो इफेक्टिव रजिस्टेंस हो वो बढ़ जाए, और रजिस्टेंस जब बढ़ जाएगा तो इसकी वजह से इसके अंदर जो इंड्यूस्ड करेंट या ईडी करेंट है वो घट जाएगा। क्योंकि आपको पता है करंट अगर सॉरी रेजिस्टेंस अगर बढ़ता है तो करंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में जो आयरन की कोर होती है उसको लैमिनेट करके क्यों लगाया जाता है, तो इसका मेन कारण है ईडी करंट को घटाना चाहते हैं। ईडी करंट घटेगा तो हीटिंग इफेक्ट भी घटेगा, जिसकी वजह से पावर लॉस या एनर्जी लॉस नहीं होगा। ठीक है, एक और तरीका होता, अच्छा इस चीज़ को समझने का एक और भी तरीका है। जैसे देखिए जब इसको आप अलग अलग स्लाइड में काट देंगे तो सब हर एक लूप में अपना ईडी करंट बनेगा इस तरीके से, है ना। मान लीजिए इस ये ईडी करंट का डायरेक्शन है सब में इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन जो है इसमें आप देखिए जब अलग अलग लूप बन जाएंगे, जब एक ही लूप था तब तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, जब अलग अलग लूप बनेंगे तो हर एक ईडी करंट जो बन रहा है, आप देखिए ये डायरेक्शन है करंट का और यहाँ पर देखिए ये डायरेक्शन है करंट का, अगले वाले लूप में फिर से इसी तरीके का डायरेक्शन मिलेगा, लेकिन आप देखिए यहाँ पर दोनों जस्ट अपोजिट हैं, यहाँ पर भी दोनों जस्ट अपोजिट हैं, और यहाँ पर भी दोनों जस्ट अपोजिट हैं। इसका मतलब जब आप स्लाइड्स के फॉर्म में या लैमिनेट करके इसको लगा देते हैं तो ये बहुत सारा ईडी करंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से, जिसकी वजह से नेट ईडी करंट भी क्या हो जाता है, घट जाता है। तो आप चाहे इस तरीके से समझें, आप चाहे रेजिस्टेंस के टर्म में समझें, दोनों से आप समझ सकते हैं। जो लैमिनेट कर दिया जाता है तो ऐसे केस में ईडी करंट डिक्रीज हो जाता है। और दूसरा एक और तरीका है, हम चाहें तो इस पूरे मेटल को, इस पूरे मटेरियल को, मतलब लैमिनेट करना तो ठीक है, लैमिनेट में भी अब आप ये कर सकते हैं, जैसे पतले पतले स्लाइड्स तो आपने बना लिए, लेकिन ये जो पतले पतले स्लाइड्स बनाए आपने उसमें भी स्लॉट बना सकते हैं। स्लॉट मतलब बीच में मटेरियल को काट सकते हैं,
इससे क्या होगा कि जो ये लूप बन रहा था, जैसे इसमें 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 ये जो लूप बन रहा था, अब वो उस लूप के लिए रास्ता बड़ा हो जाएगा, है ना। जब ये देखिए पूरा इस तरह से था तब तो ये इस तरीके से बन गया आराम से नॉर्मल सा, है ना, और इससे अंदर भी बना, इसके अंदर भी बना। लेकिन जब आपने इसमें स्लॉट्स बना दिए तो ये जो ईडी करंट है उस, अब ये यहाँ पर लूप कंप्लीट नहीं होगा, ये पूरा अंत तक इसको जाना पड़ेगा। और ये जो ईडी करंट यहाँ पर अब बन रहा है, इसका रास्ता क्या हो गया, बड़ा हो गया। और पाथ जितना ज़्यादा बड़ा होता है करंट के लिए या इलेक्ट्रॉन्स के लिए, पाथ जितना ज़्यादा बड़ा होता है रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होता है और करंट उतना ही कम हो जाता है, ठीक है। तो ये दो बातें हैं, इन दोनों बातों को अगर आप ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं तो ईडी करंट को आप जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल है उतना आप रिड्यूस कर सकते हैं। पूरी तरह से तो नहीं ख़त्म हो पाएगा बट रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे हम एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट में। तो अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग जनरेटर और ट्रांसफार्मर के बारे में, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फेनोमेनन पर बेस्ड है। बट इस चीज़ को आप अभी समझ लें कि ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है उसको लैमिनेट करने का मेन कारण क्या होता है, ईडी करंट को मिनिमाइज करना, जिससे हीटिंग इफेक्ट कम से कम हो और एनर्जी लॉस भी कम से कम हो। लास्ट एक चीज़ यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो ईडी करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो हमारे लिए नुकसानदायक तो है बट कई जगहों पर हम इसका अच्छा यूज भी कर लेते हैं। जैसे इंडक्शन फर्नेस में किसी मेटल को पिघलाना है, मेल्ट करना है, एक्सट्रैक्शन के लिए होता ना, जो ओर होते हैं ओर से किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, प्योरीफाई करने के लिए पिघलाना पड़ता है, तो ऐसे केस में ये हमारे लिए यूजफुल हो जाता है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में मेटल को इंडक्शन फर्नेस के अंदर रखते हैं और इतना ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट की वजह, ईडी करंट की वजह से इतना ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, पूरा का पूरा मेटल पिघल जाता है। तो हमको कोई और एनर्जी अलग से वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ईडी करंट की हेल्प से ये मेटल आराम से पिघल जाता है। दूसरा एप्लीकेशन है डेड बीट गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की जो निडिल होती है वो करंट के फ्लो होने पर डिफ्लेक्ट होती है और डिफ्लेक्ट होने के बाद तुरंत नहीं रुकती, वो ऐसे ऐसे थोड़ा वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से रीडिंग पढ़ने में गलतियां हो जाती हैं और ये अच्छी चीज़ नहीं होती। तो इस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ईडी करंट का हेल्प लेते हैं। और ईडी करंट की हेल्प से क्या होता है कि ईडी करंट ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोड्यूस करते हैं वहाँ पर, क्योंकि आप देखे होंगे गैल्वेनोमीटर में अंदर ये एक कोर, मेटल के अंदर ये जो कोर इस्तेमाल हुआ था आयरन कोर, इसका मेन कारण क्या था, इससे हम ईडी करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे थे। तो ईडी करंट जब बढ़ जाता है तो ईडी करंट के बढ़ने की वजह से ये होता है कि जो ये डिफ्लेक्ट होती है नीडिल, अब उसके बाद ये वाइब्रेट नहीं करती है। ईडी करंट क्या करता है, हमेशा उसके जो मतलब वाइब्रेशन होता है या उसका जो मोशन होता है उसको अपोज करता है, आपने यहाँ पर देखा मोशन को अपोज करता है, तो जल्दी से वो नीडिल अपनी जगह पर रुक जाती है, जिसको हम बोलते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल जो डैम्पिंग है उसको बढ़ाने के लिए या डेड बीट गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए भी हम ईडी करंट का यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रिक ब्रेक। इलेक्ट्रिक ब्रेक में भी ईडी करंट की हेल्प ली जाती है, जो एक्सल होता है उसमें जो दोनों पहिए होते हैं वहाँ पर डंबल लगा होता है, उसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड पहियों के रोटेशन को या उसके मोशन को अपोज करता है, क्योंकि इसका नेचर ही होता है अपोज करना। तो उसकी हेल्प से हम यानी ईडी करंट की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक ब्रेक को भी मतलब इसका जो फंक्शनिंग है वो ईडी करंट के ही बेसिस पर है, ठीक है। चलिए तो एप्लीकेशन में आप ये दो तीन नाम याद रखें, जिसमें से ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है डेड बीट गैल्वेनोमीटर, बाकी आप तीनों को याद रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि ईडी करंट को मिनिमाइज करने का तरीका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो गया है। इसको आप एक बार थॉरली पढ़ लें, क्योंकि टॉपिक बहुत ही आसान होता है, एक बार भी पढ़ लेते हैं तो इसके क्वेश्चन आप करेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर बेस्ड प्रीवियस ईयर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।